गुड आफ्टरनून कविकर सर। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। ये हमारे नई एटीएल लैब मिली है जनता हाई स्कूल परसापुर में, तो वहाँ के एटीएल इंचार्ज हैं प्रवीण कविकर सर। मैम पुष्पा मैम, आपके यहाँ पे लैब अराउंड 2.5 ईयर्स हो चुके हैं मुझे लगता है, तो सर आपके आई विल नॉट टेल लाइक दैट सर। 2.5 ईयर्स हमने सितंबर 2019 में हमें फंड मिला था। जी बाय द टाइम वी इनॉग्रेटेड इट वाज फरवरी 2020 20 ओके यानी कि लास्ट ईयर ही। और अच्छा अभी हमें हमने दो ही वर्क दो ही हमने एक्चुअली थोड़ा ट्रेनिंग सेशन किए थे, उसके बाद बोर्ड एग्जाम आ गए थे और फिर कोरोना आ गया। आफ्टर दैट फ्रॉम मंथ ऑफ मई 20 से हम लोगों ने बस ऑनलाइन ही बच्चों को पढ़ाया और बहुत सारे हमने भी ऑनलाइन कोर्सेज किए फ्रॉम सीबीएसई साइड, इंटर की तरफ से और वगैरह वगैरह। एंड आपको भी मालूम था, आप भी एक दो प्लेटफॉर्म में आप भी आए थे फॉर ऑनलाइन सेशंस। जी जी मैम। हाँ तो बस वैसे ही अटेंड करते रहे और वैसे हम लोगों ने सीखा ये सब। और अभी जैसे आई हैव आल्सो बीन सेलेक्टेड फॉर दिस एग्जेम्पलरी टीचर ऑफ चेंज यस यस मैम फॉर द मंथ ऑफ सितंबर 20 टू फरवरी 2021। और थर्सडे को हमारा लाइव सेशन है सर विद द डायरेक्टर डॉक्टर रमन। रामन। यस मैम यस मैम। कॉन्ग्रेचुलेशन हाँ मैम, मेरे यहाँ से भी दो टीचर सिलेक्ट हुए हैं, एक श्री श्यामराव सोनार कन्या विद्यालय करजगा ओके सर और एक छिंदवाड़ा से एक टीचर हैं मोनिका पलवार मैम, गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल बिछुआ। ओके ओके सर। तो ये मैम तो ऐसे टोटली एग्जाम्पलरी टीचर ऑफ चेंज डिपेंड होता है हमारे एटीएल डैशबोर्ड पे, यस सर है ना, क्योंकि दोनों स्कूल्स। बट सर आई विल टेल यू वन थिंग सर, ये एटीएल का जो डैशबोर्ड जो है ये कोई बहुत अच्छे सही तरीके से नहीं ये लोग जज करते हैं। बिकॉज कई बार हम देखते हैं कि हम लोग जैसे मेरे को तो चलो लास्ट टाइम आई हैड गॉट 3 टाइम्स दैट यू नो एटीएल ऑफ द मंथ के लिए हमें रिकॉग्निशन मिला था। बट बाकी टाइम पे हम लोग इतना कुछ भरते रहते थे वी नेवर यूज्ड टू गेट। और कोई स्कूल्स मैंने देखा है कुछ खास करते नहीं है और उनको डायरेक्टली मिल जाता है, तो मेरे को लगता है कुछ क्राइटेरिया है नहीं इसका ना। नहीं मैम, इसमें ये सॉफ्टवेयर जो इन्होंने डैशबोर्ड का बनाया है, इसको पर्सनली किसी को चेक नहीं किया जाता है, इन्होंने क्राइटेरिया ऑलरेडी फिक्स किए हुए हैं। जैसे कुछ क्राइटेरिया आपके नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के लिए हैं, जैसे एटीएल ऑफ मंथ जो आता है वो 3-4 क्राइटेरिया के ऊपर डिपेंडेंट है। पहला, अगर किसी स्कूल ने बहुत ज्यादा बच्चों को अगर पढ़ाया हुआ है या उनके ऑनलाइन सेशन हुए, जो भी जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हम लिखते हैं, तो अगर वो क्राइटेरिया में वो सबसे बेस्ट है उस डिस्ट्रिक्ट में उस स्टेट में, तो उन वो एटीएल ऑफ द मंथ बन जाते हैं। फिर उसके बाद दूसरा आता है कि नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स कंप्लीटेड, किसी ने सबसे ज्यादा प्रोजेक्ट्स कंप्लीट किए हुए तो वो एटीएल ऑफ द मंथ आ जाता है, किसी ने वर्कशॉप ज्यादा कंडक्ट किए हुए तो वो एटीएल ऑफ द मंथ आ जाता है। तो ऐसा नहीं है कि हर कोई अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ज्यादा वहां पे दिखाता है और उसका एटीएल ऑफ द मंथ, फिर सारे उसी बेसिस पे आते हैं। एक स्कूल उस क्राइटेरिया में आता है तो दूसरा स्कूल किसी दूसरे क्राइटेरिया में आता है, और ये ऑटोमेटिक होता है, कोई इसे चेक नहीं करता है, मुझे जहां तक के मुझे लगता है। तो आपका उसका कुछ कोई भी स्कूल, उसका मतलब कोई भी स्कूल कुछ भी भर सकता है। देखिए मैम, अगर क्रॉस चेक अगर कहीं पे हुआ तो रिस्पॉन्सिबल कौन रहेगा उसके लिए, जो वो डाटा डैशबोर्ड भर रहा है। हाँ जी हाँ जी हाँ। तो आज नहीं तो कल ये क्रॉस चेक होता ही है ना। अगर मैं अगर लिख रहा हूँ कि मैं 2000 बच्चों को एक महीने में पढ़ा रहा हूँ और मैं एक्चुअली मैं 10 को भी नहीं पढ़ा रहा हूँ, तो मेरे पास डाटा तो होना चाहिए ना 2000 बच्चों को पढ़ाने के लिए। तो अभी अभी रिसेंटली क्या है, भारत देश में हमारे देश में सब कुछ चलता है, इग्नोर करते रहते हैं, तो स्कूल्स वाले या उनके जो साथ जो काम करने वाले जो लोग हैं वो कुछ भी भर देते हैं वहां पे। बट सर दिस शुड नॉट बी एज पर द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द स्कूल, इट शुड बी एज पर द परसेंटेज। जैसे मान लो कोई कोई स्कूल है जिसमें स्ट्रेंथ 2000 की है, कोई 3000 है, तो नेचुरली जिनकी 2000 3000 है वो तो हमेशा फर्स्ट ही, वो तो हमेशा सेलेक्ट ही होंगे फॉर दिस पर्टिकुलर रिकॉग्निशन। और जैसे हम जैसे स्कूल है हमारे, तो यहाँ 450 से ऊपर हम बच्चे लेते नहीं है, राइट? तो उसका मतलब हम तो कहीं स्टैंड ही नहीं करेंगे उसका मतलब। नहीं तो मैम वैसा भी नहीं है ना, यहाँ पे एक्चुअली जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का जो कैलकुलेशन है वो पर सेशन आप कितने बच्चे बिठा रहे हो, मतलब आप एक घंटे में अगर 40 बच्चों को अगर आप पढ़ा रहे हो तो ऐसे आप दिन में कितने सेशंस लेते हो, उसे मल्टीप्लाई करने के बाद ऐसे कितने दिन आपने पढ़ाया हुआ है वो भी होता है। तो ऐसा जो कैलकुलेशन है ये इस तरह से होता है, ऐसा नहीं कि हमारे पास 400 बच्चे हैं तो हमारा जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स रहेगा वो 400 से ऊपर जाएगा ही नहीं है ना। तो ये क्राइटेरिया, जैसे जिन स्कूल्स के पास 3000 स्टूडेंट्स भी हैं, तो एक्चुअली अगर वो 20 बच्चे ही एक दिन में पढ़ा रहे हैं
तो 20 डेज अगर नॉर्मली वो अगर क्लास कंडक्ट करते हैं तो 600 स्टूडेंट्स ही होंगे, और वही अगर जहाँ पे जिनके पास 400 स्टूडेंट्स हैं वो अगर 30 स्टूडेंट्स को एक सेशन में पढ़ा रहे हैं, और ऐसे अगर दो सेशन में पर डे अगर वो कंडक्ट कर रहे हैं तो पर डे उनका 60 स्टूडेंट्स का 80 स्टूडेंट्स का क्राइटेरिया हुआ। ऐसा अगर उन्होंने 20 डेज भी पढ़ाया तो 1600 हो जाते हैं वो स्टूडेंट्स। पता नहीं सर, क्योंकि मैंने किसी और कंपनियों से भी पूछा था जो कि स्कूलों के साथ अटैच्ड है, तो वो लोग तो बोल रहे थे कि हमें भी समझ नहीं आ रहा है कि इसका ये अटल इनोवेशन मिशन का क्या क्राइटेरिया है इसमें। जैसे इधर कोई हार्ड एंड फास्ट रूल बोलते, हमें मालूम है कई स्कूल जो बहुत ही अच्छे हैं और बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं, पर उनका नाम कहीं भी एटीएल ऑफ द मंथ में नहीं आता है, और कोई कुछ नहीं कर रहा है उनका नाम जो है एटीएल ऑफ द मंथ में आ जाता है। मुझे कहीं से नीति आयोग की वेबसाइट से या कहीं से पता नहीं चला है कि ऐसा करना है, ये मेरा अजम्पशन है। क्योंकि मेरे पास दोनों चैलेंजेस हैं, मेरे पास ऐसे स्कूल है जिनके पास 3000 स्ट्रेंथ है, तो कुछ ऐसे भी स्कूल है जिनके पास सिर्फ 400 स्ट्रेंथ है। तो ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का कैसे कैलकुलेशन करेंगे? तो इस तरह से होता है एटीएल डैशबोर्ड को धीरे धीरे हर चीज को, वो भी जितने उनके पास प्रॉब्लम्स आ रही है उनको सॉल्व कर रहे हैं। और आई थिंक उन्होंने कोविड टाइम में तो नीति आयोग अटल इनोवेशन मिशन ने बहुत अच्छा काम किया है। पहले वो इंग्लिश क्लासेस लेते थे, फिर उनको समझ में आया कि बहुत सारे स्कूल तो रूरल है, तो उन्होंने हिंदी चैप्टर्स स्टार्ट कर दिए हैं, है ना। तो इस तरह से बहुत अच्छा काम चल रहा है, और अगले 2-3 सालों में और ज़्यादा अच्छा काम हमें दिखेगा। तो मुझे लगता है अब हमें सेशन को स्टार्ट करना चाहिए। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है ऑर्डिनो अल्ट्रासोनिक सेंसर इंटरफेसिंग, है ना। अब जैसे आपके सामने ये सेंसर दिख रहा है, ये अल्ट्रासोनिक सेंसर है, ये है अल्ट्रासोनिक सेंसर। आज मैं स्कूल से ज्वाइन नहीं हुआ हूँ, जैसे मैं नॉर्मली म्यूनसिपल हायर सेकेंडरी स्कूल पर थोड़ा से ज्वाइन होता हूँ, यहाँ पे बहुत स्ट्रिक्ट लॉकडाउन होने की वजह से आज मैं अपने घर से ही क्लास ले रहा हूँ। तो मेरे पास एक प्रोजेक्ट बना हुआ है, इसमें ये GPS, GSM, स्विच, बजर, LED सारे और ये अल्ट्रासोनिक सेंसर लगा हुआ है। तो यहाँ से हम एक कॉम्पोनेंट ले लेते हैं, ये अल्ट्रासोनिक सेंसर। तो आपने इस अल्ट्रासोनिक सेंसर में किस किस को पता है अल्ट्रासोनिक सेंसर के बारे में? कोई बता सकता है मुझे अल्ट्रासोनिक सेंसर के बारे में? आइडिया नहीं है सर। अल्ट्रासोनिक सेंसर के ऊपर किसने काम किया हुआ है? किसी ने काम नहीं किया? नहीं किया सर। तो ये अल्ट्रासोनिक सेंसर जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, मेरी स्क्रीन सबको विजिबल है? हाँ जी सर। जैसे ये अल्ट्रासोनिक सेंसर आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ये अल्ट्रासोनिक सेंसर आपने कभी इसके ऊपर काम किया है? इस सेंसर के ऊपर? नो सर। किसी ने भी काम नहीं किया है? नो। चलिए फिर पढ़ाने में और ज्यादा मजा आएगा। तो ये देखिए, यहां पे ये अल्ट्रासोनिक सेंसर में आप देख रहे हैं, इसमें 4 पिन्स हैं, इसमें 4 पिन्स हैं। कौन कौन सी है? एक है आपकी VCC पिन, एक है ट्रिगर पिन, एक है इको पिन और एक है ग्राउंड। तो VCC पिन तो हमें +5 वोल्ट सप्लाई के साथ कनेक्ट करनी है, ग्राउंड पिन हमें ग्राउंड पिन के साथ कनेक्ट करनी है। अब यहाँ पे ये जो 2 पिन्स है, ये ट्रिगर और इको, इन 2 पिन्स को हमें कहाँ कनेक्ट करना है, ये इनपुट है या आउटपुट है, ये हम आगे देखेंगे। अब यहाँ पे आपको ऐसे 2 बॉल दिख रहे हैं, एक पे लिखा हुआ है T और एक पे लिखा हुआ है R। तो एक है आपका ट्रांसमीटर और दूसरा है रिसीवर, है ना। तो ये आप इस सेंसर को आप ऐसा समझ सकते हैं कि हमारी जो 2 आंखें हैं उसकी तरह ये काम करता है। हम जैसे हमारे पास कोई अगर बॉल फेंकता है तो हम उसकी स्पीड और उसकी डिस्टेंस समझ के उसे कैच करते हैं। तो यहाँ पे भी ये भी अल्ट्रासोनिक सेंसर ये यूज होता है आपका डिस्टेंस मेजरमेंट के लिए। ओके, फॉर मेजरिंग डिस्टेंस। फॉर मेजरिंग डिस्टेंस। तो यहाँ पे अल्ट्रासोनिक सेंसर यूज हो रहा है डिस्टेंस मेजरमेंट करने। अब आपके सामने ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं जहाँ पे आपको डिस्टेंस मेजर करनी होती है। कोई एग्जाम्पल बता सकता है ऐसे प्रोजेक्ट का जहाँ पे अल्ट्रासोनिक सेंसर यूज हो?
अगर आप घर की जैसे हम ये बताते हैं सर, लाइक अगर आपने पानी की टैंकी का वो देखना है कि पानी की टैंकी भर गई कि नहीं भरी है, तो उसमें हम सेंसर लगा सकते हैं कि जब फ्लो जब वो एकदम वो टच कर जब पानी भर जाता है तो अपने आप उसमें एक्वाइंग होना चाहिए दैट इट इज फुल, तो हम फिर नीचे से उसका मोटर बंद कर सकते हैं। बरोबर, यस। तो यहाँ पे डिस्टेंस मेजर हो रही है तो यहाँ पे आप अल्ट्रासोनिक सेंसर यूज कर सकते हैं। ये अल्ट्रासोनिक सेंसर इस वाले प्रॉब्लम के लिए परफेक्ट सॉल्यूशन नहीं है, लेकिन हाँ ये कह सकते हैं कि हम डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं, है ना। उसके अलावा कोई और एग्जांपल कोई बता सकते हैं? देखिए यहाँ पे आप जो भी टीचर्स जुड़े हुए हैं, अभी मैं आपका टीचर हूँ और आप मेरे स्टूडेंट हैं, तो मैं अगर स्टूडेंट से क्वेश्चन पूछ रहा हूँ तो आप सबको आंसर करना चाहिए। पुष्पा मैम ने जैसे आंसर किया सर, मोबाइल में जो प्रॉक्सिमिटी सेंसर होता है वो भी शायद अल्ट्रासाउंड पे बेस्ड हो शायद टेक्नोलॉजी पे। नहीं सर, मुझे आइडिया नहीं है सर उसके बारे में, तो इसके लिए मैं जरूर पढ़ूंगा थोड़ा सा। और कोई एग्जांपल सर? ऑब्जेक्ट डिटेक्टर। ऑब्जेक्ट डिटेक्टर, ऑब्जेक्ट डिटेक्शन एक अलग टेक्नोलॉजी है, और डिस्टेंस ऑब्जेक्ट अवॉइडर। हाँ, ऑब्जेक्ट अवॉइडर कह सकते हैं। बरोबर बरोबर, ऑब्जेक्ट अवॉइडर रोबोट अगर हमें बनाना है तो वहां पे जैसे हमने ये जैसे मैम ने जैसे अभी बताया कि ऑब्जेक्ट अवॉइडर रोबोट बना रहे हैं, तो फॉर एग्जांपल हमने एक रोबोट बनाया हुआ है कि जो जो वॉल को वॉल से टकराए ना, तो वो उसके लिए उसके सामने अल्ट्रासोनिक सेंसर लगाना होगा, और वो जैसे ही उस मिनिमम डिस्टेंस पे आ जाएगा वहां से वो टर्न दे देगा। और कोई एग्जांपल? बहुत सारे प्रॉब्लम। ऑटोमेटिक डोर ओपन। यस, ऑटोमेटिक डोर ओपन। यस मैम, लक्ष्मी मैम आपको कह रहे हैं सर, इट हेल्प्स टू मेजर द सी डेप्थ। इट हेल्प्स टू मेजर द सी डेप्थ बट बॉटम डोरबेल। डोरबेल, यस मैम, यस 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 सर। तो लक्ष्मी मैम, आपका जो आपने जो आइडिया बताया वो मुझे एक्चुअली वो समझ में नहीं आया, तो आप प्लीज एक्सप्लेन कर सकते हैं आप क्या कह रहे हैं? Sir, I feel that ultrasonic sensors help it to measure the sea depth, sir. Sea depth means? Sea depth. Okay. Sea depth. Okay. Yes, ma'am. We can, like as Pushpa ma'am said, we can measure tank full or empty. Yes. So, so basically, बहुत सारे problems हैं, बहुत सारे। अब जैसे आपके सामने जो circuit दिख रहा है, ये देखिए जो मेरे आपके सामने एक सर्किट जो बना हुआ है, यहाँ पे हमने क्या किया हुआ है, एक एक प्रोजेक्ट है हमारे पास, तो उस प्रोजेक्ट में हमें क्या करना है कि मोस्ट ऑफ द जो एक्सीडेंट्स होते हैं वो एक तो होते हैं आपके हाईवेज पे, और दूसरे एक्सीडेंट होते हैं आपके हिल पे, टर्निंग पॉइंट पे। जैसे यहाँ पे ये आपके सामने ये हिल का टर्न पॉइंट है ना, जैसे जैसे हमारे साथ जुड़े हैं सर, जुड़े हुए हैं सर, जुड़े हुए हैं हमारे साथ अकोटकर सर, जुड़े हुए हैं। अब अकोटकर सर जहां से रहते हैं शेंदुर्जना घाट, वहीं पे एक घाट है, तो यहाँ पे जो एक्सीडेंट होने के जो चांसेस हैं इस वाले लोकेशन पे ज्यादा है। ये वाले सपोज यहाँ से एक व्हीकल आ रहा है और एक यहाँ से आ रहा है, तो ये ब्लाइंड रोड हो जाता है, ये व्हीकल को दिखता ही नहीं है यहाँ पे कुछ वहां से व्हीकल आ रहा है। तो यहाँ पे एक बच्चों का ऐसा ही एक आइडिया ये था कि क्या हम अगर यहाँ एक सेंसर लगा दें इस जगह पे जो कि ये रोड को डिस्टेंस कवर करता रहे, अगर यहां से अगर कोई व्हीकल क्रॉस हुआ तो इसकी डिस्टेंस कम हो जाएगी, है ना। यहां से अगर कोई व्हीकल इस तरह से क्रॉस हुआ तो पहले अज्यूम करते हैं सपोज है ये 100 है, तो व्हीकल बीच में से क्रॉस होगा तो ये 30, 40, 50 हो जाएगा। हाँ जी सर। हाँ, तो यहाँ पे एक लाइट लगा दे, हम एक लाइट लगा दे ताकि ये वाले व्हीकल को पता चले कि यहां से कोई व्हीकल आ रहा है, है ना। तो यहाँ पे भी अल्ट्रासोनिक सेंसर यूज हुआ। आप में से कितने स्कूल हैं जहाँ पे हाइट मेजरमेंट प्रोग्राम आप हर साल जो करते हैं वहां पे आपके स्कूल में एक स्केल बनी हुई है वॉल पे? हाँ जी सर। ऐसे सारे स्कूल्स होंगे, किसी के यहाँ पे कुछ नया कुछ है ये? सर हम लोग तो करते हैं सर, बिकॉज हमारा स्कूल तो डिफेंस स्कूल है, तो हम तो बच्चों का फिजिकल जैसे हाइट वगैरह सब हम मेजर करते हैं एवरी यू नो हाफ ईयरली। तो किस तरह से करते हैं मैम आप?
यहाँ पे एक स्केल बनी हुई है आपके दीवार पे, आपके स्कूल की वॉल पे, यहाँ पे लिखा हुआ है 10 सेंटीमीटर टू 300 या 400 जितना भी हो, इस तरह से ये सेंटीमीटर या इंचेस में यहाँ पे पॉइंट्स लिखे हुए हैं। हाँ जी सर। हाँ, तो यहाँ पे अगर हम अज्यूम कीजिए कि अगर मैं आपके जहाँ पे हाइट मेजरमेंट का हमें जैसे ATL लैब है वहां पे जो सीलिंग है, सीलिंग पे मैं अगर ये अल्ट्रासोनिक सेंसर कनेक्ट कर दूं, ठीक है, ये जो आपके जो अल्ट्रासोनिक सेंसर के जो आईज हैं, इस अल्ट्रासोनिक सेंसर की आईज को मैं डाउनवर्ड की तरफ ये रहे और आपके सीलिंग पे ये अल्ट्रासोनिक सेंसर लगा दें, तो क्या हम यहाँ पे अगर कोई स्टूडेंट अगर खड़ा है इसके नीचे तो इसकी हाइट मेजर कर सकते हैं या नहीं? यस सर। हाँ, इसकी हाइट मेजरमेंट कर सकते हैं या नहीं? देख कैसे होगा ये, तो सिंपल मैथमेटिक्स, अल्ट्रासोनिक सेंसर जब यहाँ पे जब था, यहाँ पे कोई बच्चा नहीं था, तो ये टोटल डिस्टेंस मेजर करेगा। यस। जब यहाँ पे कोई बच्चा आके खड़ा हुआ तो अब ये कौन सी डिस्टेंस मेजर करेगा, ये फ्री वाली स्पेस। हाँ जी सर। हाँ ना, तो टोटल डिस्टेंस माइनस फ्री स्पेस इक्वल्स टू माय हाइट। तो ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, बहुत सारे व्हीकल टू व्हीकल कम्युनिकेशन के लिए, या रोड एक्सीडेंट में अगर हमारे पास ऐसे सेंसर्स हो कि जैसे हम अभी देख रहे हैं ड्राइवरलेस कार है, तो वहां पे ड्राइवरलेस कार को कैसे पता चलेगा कि आगे मेरे सामने एक व्हीकल है? तो वहां पे तो वो डिस्टेंस मेजर कर रहा है ना। राइट सर। इवन इन बिग सिटीज में यहाँ पे इनके पास वो सेंसर लगा होता है रोड साइड पर कि कोई भी अगर व्हीकल जो है 40 किलोमीटर के स्पीड से ज्यादा जारी है तो ऑटोमेटिकली फिर वो ना सेंसर जो लगा होता है वहाँ पे, आई डोंट नो व्हाट इट इज कॉल्ड है, पर फिर वो ऑटोमेटिकली यू नो इंडिकेटिंग रेड, तो आगे जो पुलिस खड़ी होती है वो आपको एकदम देख लेती है, आपको साइड में कर देती है। यस यस मैम। यस, तो वहां पे हम ताकि हम शहर में ओवर स्पीडिंग ना करें। बराबर। हाईवेज पे भी एक जो पर्टिकुलर स्पीड मेंटेन करने के लिए कहते हैं, तो उस स्पीड से अगर कोई ज्यादा स्पीड में आता है तो होता है, मेरे साथ भी हुआ है, मेरे ड्राइवर ने 2-3 बार थोड़ी सी स्पीड एक्सीड कर दी है, तो मैं भी फाइन भर चुका हूँ उस चीज में। तो वहां पे जो सेंसर होता है, मुझे आइडिया नहीं है उसके बारे में कि वहां पे सेंसर कौन से टाइप का यूज किया जाता है, लेकिन अच्छा पॉइंट है ये, मुझे पढ़ना पड़ेगा कि वहां पे कौन सा सेंसर यूज होता है। आई थिंक स्पीड मेजरमेंट ही सेंसर होगा, स्पीड जो डिटेक्ट कर रहा हो। तो यहाँ पे हम अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। तो अब हमने इस अल्ट्रासोनिक सेंसर में जो पिंस देखे थे, इस अल्ट्रासोनिक सेंसर में हमने जो पिंस देखे हुए हैं, ये देखिए, तो ये आपका अल्ट्रासोनिक सेंसर, इस अल्ट्रासोनिक सेंसर में एक है ट्रांसमीटर, एक है रिसीवर, यहां पे 4 पिंस हैं, एक है VCC, आपका ट्रिगर, इको और ग्राउंड। तो हमने VCC को +5 वोल्ट के साथ कनेक्ट कर दिया, ग्राउंड को ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर दिया। अब मेरे पास जो 2 पिन है ट्रिगर और एक है इको, तो ये एक्चुअली ट्रिगर का काम ये है, जैसे कि इसके नाम में ही लिखा हुआ है ट्रिग, कि इस सेंसर को ट्रिगर करना, इस सेंसर को ट्रिगर करना। तो इस हम अपने आप को ट्रिगर कैसे करते हैं, मॉर्निंग टाइम में अलार्म लगा के, कि अलार्म बजता है और हम ट्रिगर हो जाते हैं कि अभी हमें उठना है। तो ये ट्रिगर पिन आपके इस अल्ट्रासोनिक सेंसर को ट्रिगर करती है कि एक वेव पास सेंड करो। तो यहां पे क्या होता है, इसका रोल क्या है, ये यहां पे इस सेंसर को एक लो हाई और एक लो वापस से सिग्नल सेंड करती है। कौन सा सिग्नल भेजेगा, लो, जब ये ट्रिगर पिन इस अल्ट्रासोनिक को लो हाई और लो सिग्नल भेजेगा, तो ये अल्ट्रासोनिक सेंसर एक पल्स जनरेट करता है। क्लियर हो रहा है? यस सर। हाँ, जब ये ट्रिगर पिन, हम इस अल्ट्रासोनिक सेंसर को एक लो हाई और ये लो सिग्नल भेजेंगे, तो यहां से ये ट्रांसमीटर से, इस ट्रांसमीटर सेक्शन से आपकी एक वेव जनरेट होती है, एक वेव जनरेट हो रही है। तो ये एक सिग्नल यहां से जनरेट हुआ, अज्यूम करते हैं यहां पे ये ऑब्जेक्ट है, तो ये इसके पास पहुंचा और इससे रिफ्लेक्ट होके फिर वापस आता है, इससे रिफ्लेक्ट होके फिर वापस आता है। तो यहां पे ये ट्रांसमीटर ने ट्रांसमिट किया, ये ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट हुआ और ये अल्ट्रासोनिक सेंसर को रिसीव हुआ, ये रिसीवर को रिसीव हुआ।
तो अब इस इको पिन का काम क्या है, ये इको पिन क्या करती है, यहां पे जब रिसीव होता है, यहां पे जब रिसीवर पे जब रिसीव होता है तो ये इको पिन हाई सिग्नल प्रोड्यूस करती है, मतलब ऑटोमेटिकली ये इको पिन हाई हो जाती है। सर बाय डिफॉल्ट ये लो होता है सर? बाय डिफॉल्ट ये लो होती है, यस बाय डिफॉल्ट ये लो होती है, और जैसे ही यहां पे रिसीवर पे ये सिग्नल रिसीव होता है तो ये ऑटोमेटिकली ये इको पिन हाई हो जाती है। तो अब मुझे आप बताओ कि ये ट्रिगर इनपुट है या आउटपुट है, ये इको इनपुट है या आउटपुट है? सर इको शुड बी आउटपुट सर। ओके, और तो मेरे पास ट्रिगर विल बी इनपुट देन। ओके, किसी और का कोई आंसर? चलिए देखिए, यहां पे ट्रिगर को हमें ट्रिगर किसे करना है, ये ऑडिनो को ट्रिगर करना है। लो हाई लो सिग्नल कौन देगा अल्ट्रासोनिक सेंसर को वाया ट्रिगर पिन? ऑडिनो देगा। तो ये ऑडिनो क्या कर रहा है, ऑडिनो सिग्नल सेंसर को दे रहा है, मतलब ये ट्रिगर पिन क्या हुआ, आउटपुट। क्लियर हुआ? क्लियर है या मैं वापस से रिपीट करूं? सर प्लीज रिपीट। सर प्लीज रिपीट इट सर। यस, फॉर एग्जांपल एलईडी, एलईडी को ऑन ऑफ कौन करता है? आर्डिनो। तो एलईडी को हम कहते हैं आउटपुट डिवाइस। जैसे हमने फॉर एग्जांपल हमने बॉडी के ऊपर जो एग्जांपल लिया था, ब्रेन हाथों को सिग्नल देता है या हाथ ब्रेन को सिग्नल देते हैं? ब्रेन देता है। तो इसलिए हाथ हमारे क्या हुए, आउटपुट हुए। उसी तरह से ये ट्रिगर पिन को लो हाई लो सिग्नल कौन देगा? ये तो प्रोटोकॉल आर्डिनो। यस, ये तो प्रोटोकॉल है कि जब तक यहाँ पे लो हाई लो सिग्नल नहीं मिलेगा तब तक यहाँ से वेव जनरेट नहीं होगी। तो ये लो हाई लो सिग्नल देगा कौन, आर्डिनो ही देगा ट्रिगर पिन को। तो ये ट्रिगर पिन क्या हुई, आउटपुट। आउटपुट इको, अभी क्लियर है ट्रिगर पिन आउटपुट? यस सर। यस, इको पिन जो है, इको पिन ऑडिनो को बता रही है कि मैं हाई हुई हूं या ऑडिनो इको पिन को सिग्नल दे रहा है? ऑडिनो को बता रही है ना। इको पिन जो है, इको पिन जो है, जैसे ही यहां पे सिग्नल रिसीव होता है तो ये इको पिन ऑटोमेटिकली हाई हो जाती है और ये ऑडिनो को बताती है, ये ऑडिनो को बताती है कि मेरा सिग्नल हाई हो गया है, मतलब मुझे ऑब्जेक्ट डिटेक्ट हुआ है, मुझे ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस रिसीव हुआ है। तो इको पिन क्या हुआ, इनपुट हुआ। क्लियर है? ट्रिगर पिन, इको पिन, है ना? ओके सर। तो यहाँ पे अब हम अपने प्रोग्राम से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आज बहुत लाइक सर स्मेल टाइप मींस नोज का आपने एग्जांपल दिया था लास्ट टाइम, तो इको पिन भी लाइक वो ऑब्जेक्ट डिटेक्ट करने के बाद वो ब्रेन को मैसेज सेंड कर देता है। यस, ब्रेन को, इको पिन ब्रेन को मैसेज कर रही है कि मुझे मेरा जो सिग्नल है वो हाई हो गया है। जैसे फॉर एग्जांपल स्विच बटन जब हम जब प्रेस करते हैं तब वो सिग्नल ऑडिनो को देता है कि मैं हाई हूं या लो हूं। हम डिवाइसेस में भी मेल फीमेल वाला पार्ट ला रहे हैं, इको को फीमेल टाइप बता दिया है और बटन को मेल टाइप, हो रहा है सिग्नल दे रही है। क्लियर? चलो ये अच्छा हुआ है। तो अब हम आ जाते हैं अपने प्रोग्राम पे। सर एक मिनट सर, जो आप बता रहे थे जैसे हम लोग जब एक एलईडी को जब एक बटन ऑन करते हैं तो जब बटन ऑन करते हैं तो उस टाइम पे एलईडी इज इन व्हिच Which state? It's an off or on state, sir? मैं वो depend करता है। push करता है। By default, जो digital pins का जो signal होता है, वो high होता है। By default. Okay. Digital pin से आपको high signal मिलेगा by default. तो अगर आपने LED anode पे anode जो है LED का, वो अगर आपने connect किया हुआ है किसी pin के साथ। तो वो और कैथोड आपने अगर ग्राउंड किया हुआ है तो बाय डिफॉल्ट आपको ऑन ही दिखेगी वो एलईडी। ओके ओके। तो हमें अगर स्टार्टिंग में जैसे लास्ट टाइम ट्रैफिक लाइट कंट्रोलर, स्मार्ट ट्रैफिक लाइट कंट्रोलर का जिन्होंने प्रोजेक्ट बनाया हुआ है, तो बहुत सारे टीचर्स ने क्या किया कि ऑलरेडी वो सिग्नल को पहले ही लो कर दिया ताकि सारे बल्ब स्टार्टिंग से ही
ऑफ रहे। तो अब हम यहाँ पे जितना भी हमने अभी तक के सीखा पहले उसके ऊपर काम कर लेते हैं। तो मेरे पास दो पिन हैं, ट्रिगर और इको। तो मैं क्या करता हूँ, एक पिन को डिफाइन कर लेता हूँ इंटीजर। ट्रिगर के लिए मैं ट्रिग यूज करता हूँ इक्वल टू, सपोज मैं पिन नंबर 5 को कनेक्ट कर रहा हूँ इंटीजर, इको इक्वल टू पिन नंबर 6 पे कनेक्ट कर रहा हूँ। क्लियर। अब मुझे इनपुट आउटपुट डिफाइन करना है तो मुझे यहाँ पे लिखना होगा पिन मोड ट्रिग कॉमा output. उसके बाद फिर पिन मोड, तो सर ये हमेशा आउटपुट ही रहेगा सर, ये ट्रिक को कभी हम इसको चेंज करके इनपुट के थ्रू नहीं कर सकते? नहीं मैम, यहाँ पे नहीं कर सकते हैं। ट्रिगर पिन आपका आउटपुट ही पिन है ना, ट्रिगर पिन आपका आउटपुट पिन है। एलईडी को आप इनपुट कैसे डिफाइन कर सकते हो? नहीं सर, तब एलईडी को कभी हम लोग ने अगर एनोड से किया तो वो तब उसमें वो हाई होता है, जब हम कैथोड के थ्रू करते हैं तब वो उसको लो हम डिफाइन करते हैं। तो वैसे हम इस ट्रिक को भी कर सकते हैं कभी आउटपुट या इनपुट? नहीं मैम, जो एलईडी जो है आप उसे एनोड से कर रहे हैं या कैथोड से कर रहे हैं, वहां पे जो लॉजिक है वो लॉजिक चेंज हो रहा है कि हाई सिग्नल से ऑन होगा या लो सिग्नल से ऑन होगा। इनपुट आउटपुट का यहाँ पे कोई मतलब नहीं है, वो तो हमेशा आउटपुट ही रहेगा। ओके सर, है ना। तो यहाँ पे भी आपका जो ट्रिगर पिन है, ये ट्रिगर पिन हमारा आउटपुट ही रहेगा। और इसका जो प्रोटोकॉल है, इसका प्रोटोकॉल हमेशा सेम रहेगा। क्या प्रोटोकॉल है इसका, कि मुझे एक लो सिग्नल देना है, फिर हाई सिग्नल देना है और फिर लो सिग्नल देना है। तो जैसे ही लो सिग्नल दिया तो यहाँ से एक साउंड वेव प्रोड्यूस होगी और वो किसी भी ऑब्जेक्ट से डिटेक्ट होके वापस रिफ्लेक्ट होगी, है ना। तो यहाँ पे हमारा इनपुट आउटपुट यहाँ पे पॉइंट क्लियर हुआ, इको कॉमा इनपुट क्लियर है? हाँ जी सर, हाँ जी अंडरस्टूड। ठीक, अब मुझे ये सारा डाटा, मुझे अल्ट्रासोनिक सेंसर का जो डाटा है, मुझे सीरियल मॉनिटर पे शो करना है मुझे, क्योंकि डिस्टेंस देखना होगा ना कहीं ना कहीं। तो मेरे पास सीरियल मॉनिटर यूज करने के लिए क्या है, सीरियल डॉट बिगिन 9600 बिगिन, और यहाँ पे हमारे 9600 क्या है, 9600 ये क्या है, 9600 क्या है, बॉड रेट। यस सर, बॉड रेट, बॉड रेट है ना। तो यहाँ पे ये बॉड रेट हमने चूज कर लिया। अब मैंने यहाँ पे प्रिंट किया सीरियल डॉट प्रिंट एलएन टेस्टिंग अल्ट्रासोनिक सेंसर। ठीक, तो यहां पे अब मैं क्या करता हूं, जितना अभी कोड लिखा हुआ है उतना ही पहले मैं चेक कर लेता हूं। तो इस प्रोग्राम को सेव कर लेते हैं, कहां सेव करना है मुझे, तो मैंने जो फोल्डर क्रिएट किया हुआ है, यस म्यूजिकल हाई स्कूल, फाइल को नाम दे देते हैं अल्ट्रासोनिक सेंसर। यस, तो अब मैं कंपाइल कर लेता हूं। पहले कंपाइल मतलब आप अपने प्रोग्राम को चेक कर रहे हो कि यहां पे आपके प्रोग्राम में तो कोई एरर नहीं है। अभी तक के कोई एरर नहीं है। टूल्स ऑप्शन में जाता हूं, पोर्ट सिलेक्ट करना है। पोर्ट सिलेक्ट करने से पहले मैं ऑर्डिनो को अपने सिस्टम के साथ कनेक्ट कर लेता हूँ। yes. तो यहाँ पे हमारा जो प्रोग्राम है कॉम्पोट 10 के साथ कनेक्ट हुआ और मैं इसे अपलोड कर लेता हूँ। yes. अपलोडिंग डन, अपलोडिंग। और आपको यहाँ पे सीरियल मॉनिटर पे आपको दिख रहा है टेस्टिंग अल्ट्रासोनिक सेंसर। क्लियर, स्क्रीन दिख रही है मेरी सबको? हाँ जी सर, हाँ जी, है ना। तो ये टेस्टिंग, यस यस, टेस्टिंग अल्ट्रासोनिक सेंसर। तो यहाँ पे अब मैंने जो अभी तक के जो प्रोग्राम लिखा वहां तक के अगर किसी को कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज पूछें आप। किसी का कोई क्वेश्चन है अभी तक के जो हमने जितना भी देखा है? नो सर। तो आगे बढ़ते हैं फिर,
वापस हम अपनी प्रोग्रामिंग पे। अब जैसा कि हमें क्या करना है, अब प्रोटोकॉल फॉलो करना है। अब क्या करना है कि ये जो आप अल्ट्रासोनिक सेंसर जो आप देख रहे हैं, ये अल्ट्रासोनिक सेंसर प्रॉपर हमेशा आपको ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस बताते रहना चाहिए। ये जो अल्ट्रासोनिक सेंसर है तो इसका इसको हमेशा हमें लो हाई लो सिग्नल जो देना होगा, हम लो हाई सिग्नल देंगे तो यहाँ से ये वेव जनरेट करेगा, फिर लो हाई लो सिग्नल देंगे तो वापस वेव जनरेट करेगा। तो इस तरह से ये जो प्रोसेस है ये कंटिन्यूअसली लूप होती रहनी चाहिए। हाँ जी, हाँ जी सर। हाँ, तो इस कोड को हम लिखेंगे कहाँ पे, प्रोटोकॉल को हम लिखेंगे लूप फंक्शन में। वॉइड, यस, लूप के अंदर। तो लूप के अंदर हमें लिखना होगा, अब लिखना होगा मुझे लो सिग्नल देना है, तो क्या लो सिग्नल कैसे देंगे, डिजिटल राइट राइट कॉमा ट्रिगर ट्रिक कॉमा लो लो, ठीक है, ट्रिक कॉमा लो। फिर मुझे वापस देना होगा डिजिटल राइट ट्रिक कॉमा ट्रिक कॉमा हाई हाई, देन वापस डिजिटल राइट सर डी आई जी आई ये हाई सिग्नल आपका मिनिमम 10 माइक्रो सेकेंड का होना ही चाहिए। सर ये 10 माइक्रो सेकेंड क्या इसका वेटिंग टाइम है सर? यस, डिले टाइम कि इसकी जो विड्थ है ये आपका 10 माइक्रो सेकंड होना चाहिए। ओके सर। आपने आपने बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स देखे होंगे जहां पे हम यहां पे लिख लेते हैं 1 मिली सेकंड, है ना, तो आप कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन हाई सिग्नल जो आपका जो रहेगा वो मिनिमम आपका 10 माइक्रो सेकंड होना ही चाहिए। तो अब मैं अगर यहां पे लिखता हूं डिले, इससे पहले हमने जो डिले आपका माइक्रो और मिली होता है आपका 10^-3। तो आपका जो माइक्रो होता है वो होता है 10^-6, मिली जो होता है वो होता है 10^-3, और फिर इसके नीचे आया सेकेंड इक्वल्स टू 1, है ना, 10^-0, 10^-3, फिर तो आगे आपको किलो मेगा ये सारे सिग्नल पता है, किलो इक्वल्स टू 10^+3, मेगा इक्वल्स टू 10^+6, यहाँ पे नैनो इक्वल्स टू 10^-9, और आई थिंक पीको रहता है इसके ऊपर 10^-12। तो ये सिग्नल है, तो 10^ हमें अब जो हम जो अभी तक के जो डिले देते थे वो हमारा डिले क्या होता था, ये जैसे डिले लिखा हुआ है तो ये क्या मिली सेकंड, 1 मिली सेकंड सेकंड। तो यहाँ पे अगर मैं ये 1 डिले लिखता हूँ 1 मिली सेकंड, और यहाँ पे भी मैं अगर डिले लिखता हूँ डिले 1, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपके प्रोग्राम में, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपने बहुत सारी जगह पे तो ऐसा भी देखोगे आप कि यहाँ पे 1000 लिखा हुआ है, यहाँ पे भी आपका 1000 लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अगर डिले मुझे मिनिमम कितना देना है, 10 माइक्रो सेकंड का डिले देना है हाई के बाद, मैं इस चीज की बात कर रहा हूँ, ठीक है, मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ क्योंकि मेरा जो प्रोटोकॉल है उस प्रोटोकॉल में मुझे इस प्रोटोकॉल में जो हाई पल्स जो है ये कम से कम 10 माइक्रो सेकंड की रखनी ही है। सर व्हाट अबाउट लो सर, लो को भी तो कोई टाइम ड्यूरेशन नहीं, यहाँ पे कोई टाइम ड्यूरेशन नहीं है, यहाँ पे आप 2 माइक्रो सेकंड या 1 माइक्रो सेकंड का भी डिले दे सकते हैं। बाय डिफॉल्ट एक इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट होने में 1 या 2 माइक्रो सेकंड लगते ही है। ओके,
फिर भी अगर हम अगर देना चाहें तो वहां पे दे सकते हैं। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं। आप जैसे जैसे इस सेंसर के ऊपर और काम करोगे आपको और ज्यादा क्लियर होते जाएगा। जस्ट मैं एज अ नॉर्मल आपको थ्योरी बता रहा हूँ। तो यहाँ पे आप माइक्रो सेकेंड कैसे लिखेंगे, तो ये डिले माइक्रो सेकेंड्स, हो गया क्लियर? ओके, है ना। तो डिले, इससे पहले आपने डिले वाला फंक्शन यूज किया था, अब माइक्रो सेकेंड्स उसमें ऐड करेंगे तो वो डिले माइक्रो सेकेंड्स का फंक्शन बन जाएगा। मतलब यहाँ पे अगर आप जब 10 लिख रहे हैं तो ये 10 माइक्रो सेकेंड्स हो जाएगा। उसी तरह से मैं भी यहाँ पे भी सपोज 10 लिख रहा हूँ तो ये 10 मिली सेकेंड है और ये 10 माइक्रो सेकेंड्स है। ओके, बाय डिफॉल्ट इट इज मिली सेकेंड। बाय डिफॉल्ट आपका डिले जो होता है वो मिली सेकेंड्स होता है। ओके, तो मैं भी यहाँ पे माइक्रो सेकेंड्स यहाँ पे लिखता हूँ। अब यहाँ पे एक सिर्फ जो बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो गलती यहाँ पे ये करते हैं कि वो क्या करते हैं कि हमने लो सिग्नल दिया, फिर हाई सिग्नल दिया, फिर से लो सिग्नल दिया, ये हुआ प्रोटोकॉल। मैंने यहाँ पे डिले दे दिया, मैंने यहाँ पे भी डिले दे दिया और मैंने यहाँ भी अगर मैं डिले दे देता हूँ तो होता क्या है कि ये जो डिले है ये आपके व्यू में टाइम में ऐड हो जाता है। मैंने जो अभी बताया वो आपको क्लियर हुआ? जस्ट रिपीट द लास्ट लाइन जो आपने बताया था, जो लास्ट में तो जब दोबारा हाई करते हैं तो क्या होता है? ये देखिए, ये आपने तो लो सिग्नल दिया, आपने थोड़ा सा डिले दे दिया, हाँ जी, फिर हाई सिग्नल दिया, फिर से आपने थोड़ा सा डिले दे दिया, फिर जैसे ही यहाँ पे लो सिग्नल जैसे ही हम देते हैं, हाँ जी, तो ट्रांसमीटर क्या करता है? ट्रांसमीटर तो वेव जनरेट करेगा, हाँ जी, हाँ, ट्रांसमीटर क्या करेगा? डायरेक्टली वेव जनरेट कर देगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे लो सिग्नल के बाद और डिले दे देता हूँ तो ये जो डिले रहेगा ये वेव के टाइम में ऐड हो जाएगा। ओके, तो अज्यूम कीजिए कि मुझे मुझे अज्यूम कीजिए मुझे दिल्ली से गुड़गांव जाना है, मुझे दिल्ली से गुड़गांव जाना है तो मुझे टाइम लगता है 1 घंटा नॉर्मली मैं जिस स्पीड से जाता हूँ। अगर मैं वहां पे कहीं स्टॉप लेके अगर कुछ नाश्ता वाश्ता करता हूँ तो क्या मैं मुझे तो उस टाइम को भी उसमें काउंट करना पड़ेगा? हाँ जी सर, है ना। लेकिन एक्चुअली अगर मुझे अगर गूगल मैप पे उसकी अगर प्रॉपर अगर मुझे टाइमिंग पता तो कैसे पता करेगी, तो वहां पे वो क्या होगा, वो वाला टाइम उसमें से रिमूव कर देता है गूगल मैप में, है ना। तो ये वाला टाइम हमें इसमें ऐड करना चाहिए क्या? अगर हम यहाँ पे अगर टाइम ये देंगे तो ये इसमें तो ऐड हो जाएगा ये टाइम, तो हमें ये यहाँ पे कभी भी डिले नहीं देना। सर यू मीन टू से कि लास्ट वाला जो है उसके साथ हम लोगों को कोई वो नहीं इंक्लूड करना टाइम, यहाँ पे कभी डिले नहीं देना है। यहाँ पे अगर कोई अगर डिले देता है तो ये जो डिले है मिली सेकंड या माइक्रो सेकंड वाला ये आपके एक्चुअली इस वेव के टाइम में ऐड हो जाएगा। ओके सर, है ना। तो जिससे आपकी जो डिस्टेंस है आपकी जो अल्ट्रासोनिक सेंसर का जो यूज है उसमें आपको एरर मिलेगी। हम वो भी आगे देखेंगे ये एक्चुअली कैसे होता है। ठीक है, तो ये पॉइंट यहाँ तक क्लियर हुआ? सर आपने ये जो किया था इसको हम लूप में नहीं डाल सकते सर? किस चीज को मैम? ये जो आपने जो void लूप के अंदर जो स्टेटमेंट लिखे हैं डिजिटल राइट ट्रिगर कॉमा लो जो भी है देन अगेन ट्रिगर कॉमा हाई किया है, तो इसको मान लो ये तो सिग्नल तो इसका वेव तो चलते रहेंगे ना सर, तो इसको आप लूप में नहीं डाल सकते मैम? ये एक्चुअली जो हमारा लूप फंक्शन है ये तो लूप में ही है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, I mean to say, जैसे आपने ये लो हाई तो ये सब कितने टाइम तक चलता रहेगा? कोई फिक्स टाइम होगा कि इसने 3 बार 4 बार 5 बार ऐसे रिपीट करना है, कितने बार रिपीट? नहीं मैम, हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये लो हाई लो सिग्नल दिया, यहाँ से फिर साउंड वेव जनरेट हुई, साउंड वेव ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होकर रिसीवर के पास आएगी, वैसे ही रिसीवर के पास रिसीव हुई तो वैसे ही हमारा इको पिन हाई हो जाएगा। तो हम मॉनिटर करेंगे अब आगे कि हमारा इको पिन हाई कब होता है। जैसे ही हमें इको पिन हाई हुआ, हमारा इको पिन जैसे ही हाई हुआ तो हमें वहां से उसका डिस्टेंस पता चल जाएगा। उस डिस्टेंस के बाद हम उस डिस्टेंस को देखेंगे वापस से, फिर क्योंकि एक ही बार डिस्टेंस मुझे चेक नहीं करना है, मुझे तो बार बार डिस्टेंस चेक करना है ना, जैसे ही ऑब्जेक्ट कम ज्यादा होते रहेगा। तो ये वाला जो प्रोटोकॉल है आपका लो हाई लो, ये कंटिन्यूसली एक बार चलेगा फिर आपको डिस्टेंस मिलेगा, फिर से चलेगा फिर आपको दूसरा डिस्टेंस मिलेगा। तो ये अब क्या करना है, यहाँ पे
मैंने लो हाई लो सिग्नल दे दिया, अब मुझे इको पिन को मॉनिटर करना है कि वो हाई कब हो रही है, राइट, इफ कंडीशन लगाना। तो यहाँ पे हमारे पास एक फंक्शन है ऑडिनो में पल्स इन कि हमारे पास पल्स कब रिसीव हो रही है, पल्स इन। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इको कॉमा हाई, क्लियर। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे इको पिन को मॉनिटर कर रहे हैं कि कब ये इको पिन मेरी हाई होगी। अब ये इको पिन जैसे ही हाई हुई तो यहाँ पे आपको इस फंक्शन से एक वैल्यू रिटर्न मिलती है। अब वो वैल्यू क्या रिटर्न मिलती है हम वो अभी देख लेते हैं। तो मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ, इंटीजर टी ले लेता हूँ और मैं यहाँ पे ये देखिए मैंने void loop के ऊपर लिखा हुआ है ये variable। तो एक इस टाइप का variable है आपका integer t, global integer variable है, हाँ global variable, okay. हाँ global variable, right. ठीक है, तो ये आपका global variable है। तो यहाँ पे जैसे ही इसे echo pin high होगी तो ये आपका pulse in function एक value return करेगा। तो ये value जब return करेगा तो कहीं ना कहीं store करनी होगी। Yes, sir. Please, sir. तो मैं करता हूँ t equals to pulse in echo comma high और मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ serial dot print ln t, clear? Yes, sir. अब मैं इस प्रोग्राम को अपलोड कर लेता हूँ। अब देखते हैं हमें सीरियल मॉनिटर पर क्या मिलता है। तो ये देखिए आपके पास यहाँ पे अभी जैसे डिस्टेंस जो मिल रही है आपको 0-0 मिल रही है। तो पहले तो मैंने जो कनेक्शन है अल्ट्रासोनिक सेंसर के वो रॉन्ग किए हुए हैं। तो क्योंकि इस प्रोजेक्ट में मैंने ट्रिगर को 5 और 6 लिखा हुआ है, मैंने एक्चुअली मैंने कहाँ कनेक्ट किया हुआ है इस ट्रिगर और इको पिन को, तो ट्रिगर 6 पे है, इको 5 पे है। तो ट्रिगर को मुझे यहाँ पे 6 करना होगा और इको को मुझे यहाँ पे 5 करना होगा। वापस से अपलोड करता हूँ इस प्रोग्राम को। अभी देखिए आपको एक टाइम दिख, यहाँ पे एक वैल्यू दिख रही है, ये देखिए 7,000 समथिंग एक वैल्यू है। ये देखिए अभी ये वैल्यू कम हो गई, ये वैल्यू अभी कम हो गई। मैं दोनों चीजें एक साथ दिखाने की कोशिश करता हूँ आपको। ये देखिए ये मैं अल्ट्रासोनिक सेंसर को, ये मैं अल्ट्रासोनिक सेंसर के ऊपर जैसे ही इसे ऑब्जेक्ट बहुत क्लोज लाता हूँ तो इसका जो वैल्यू है वो कम हो गई। जैसे जैसे ये मैं इसका डिस्टेंस बढ़ाते जा रहा हूँ वैल्यू और ज्यादा बढ़ते जा रही है। देखिए किसका डिस्टेंस कर रहे हो सर, आप बढ़ा रहे हो सर? ये मैम ये अल्ट्रासोनिक सेंसर के सामने मेरा हाथ है। ओके सर, ओके, है ना। और मेरे पास एक दूसरा जो विंडो है जिसपे आपको टाइम दिख रहा है, एक सेकंड में इसे अनपिन कर देता हूँ। तो सर बेसिकली आप इस प्रोग्राम में अपने हाथ के साथ ये डिस्टेंस मेजर कर रहे हो। अभी मैम आपको कुछ नंबर्स दिख रहे हैं एक स्क्रीन पे? हाँ सर, हम 7600 एंड समथिंग, बरोबर है। अब ये जैसे देखिए, अब यहाँ पे ये जो है, एक सेकंड, यस, अभी जैसे आपके सामने यहाँ पे ये अल्ट्रासोनिक सेंसर हमारा पड़ा हुआ है। तो अब मैं ये ऑब्जेक्ट क्या दिखाऊंगा, तो ऑब्जेक्ट आप कुछ भी लेके जा सकते हैं। सपोज ये मेरा ऑब्जेक्ट है तो मैं अल्ट्रासोनिक सेंसर के बहुत नजदीक ये जब ऑब्जेक्ट रख रहा हूँ तो ये डिस्टेंस कम हो गई, ये मतलब डिस्टेंस नहीं, यहाँ पे नंबर कम हो गया। मैं इस ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा और दूर लेके जा रहा हूँ, ये नंबर बढ़ गया आपका। हाँ जी सर, ये देखिए और दूर ले जा रहा हूँ और नंबर बढ़ रहा है, और दूर ले जा रहा हूँ और नंबर बढ़ रहा है। तो इस तरह से यहाँ से ये क्या कर रहा है, ये आपका
ट्रांसमिट होने से लेके रिसीव होने तक का ये आपको टाइम दिखा रहा है। ओके ये क्या है, ये जो आपको नंबर जो अभी जो दिख रहे हैं वो एक्चुअली वो टाइम है ट्रांसमिशन से लेके रिसीव होने तक की। क्लियर हुआ ये पॉइंट? अल्ट्रासोनिक सेंसर से अभी ये जो आप जो प्रोग्राम देख रहे हैं, ये जो आप प्रोग्राम देख रहे हैं, मेरी प्रोग्रामिंग स्क्रीन दिख रही है सबको? हाँ जी सर, हाँ जी सर। तो यहाँ पे आपको T मतलब क्या मिला, आपको इस वाले पल्स इन फंक्शन से आपको रिटर्न क्या मिला? रिटर्निंग टाइम between transmitting and receiving है ना। तो इस तरह से आपको पल्स इन फंक्शन से आपको टाइम रिसीव हुआ। अब यहाँ पे वापस अब जो हमने जो यहाँ पे ऐड किया था, ये देखिए अगर मैं यहाँ पे डिले अगर ऐड करता हूँ, अज्यूम कीजिए कि मैंने यहाँ पे डिले ऐड किया, वो लो सिग्नल के बाद अगर मैं यहाँ पे डिले लिख लेता हूँ, तो यहाँ पे आपके टाइम वाले वेरिएबल में आपके बहुत ज्यादा चेंजेस हो जाएंगे। सर डिले माइक्रो सेकंड में कीजिए ना सर। यस, मैं एक सेकंड, मैं पहले मिली सेकंड में जो मुझे देखना है, क्योंकि यहाँ पे इजीली आपको दिखेगा। तो ये देखिए सर, अब देखिए आपका ये आपकी वैल्यूज आपकी जीरो आ रही है ना। चलिए इसको एक और बार देख लेते हैं, मैं इसको माइक्रो सेकंड कर लेता हूं। तो ये वैल्यू हमेशा जीरो ही होगा सर अगर आप लास्ट में डिले यूज करोगे तो? नहीं नहीं मैम, नहीं, वो डिपेंड करता है कि एक्चुअली उसमें एडिशन कितना हो रहा है। सर आप अभी जैसे आपने ये डिले किया था विद माइक्रो सेकंड, सॉरी मिली सेकंड के थ्रू किया था आपने, तो इसमें आप ऑब्जेक्ट क्लिक कराइए, जस्ट लेट अस सी। अब जैसे देखिए फॉर एग्जांपल मैम, यहां पे जो आपका जो टाइम होता है ना, ये जो आपको जो टाइम मिल रहा है, रिटर्निंग टाइम यहां पे लिखना होगा मुझे इन माइक्रो सेकंड। ये जो आपको रिटर्न टाइम जो आ रहा है ना, ये माइक्रो सेकंड्स में टाइम्स आपको रिटर्न हो रहा है। तो अब मैंने इसमें अगर 100 माइक्रो सेकंड्स ऐड कर दिए, मैंने इसमें 100 माइक्रो सेकंड्स ऐड कर दिए, तो ये जो आपका जो टाइम होगा ना, वो 100 माइक्रो सेकंड से बढ़ जाएगा, क्योंकि हमने वो 100 माइक्रो सेकंड जो डिले है वो उसके अंदर ऐड किया हुआ है। तो ये एक्चुअली अभी यहाँ पे दिखेगा नहीं, जब हम इसको सेंटीमीटर में जब देखेंगे और स्केल से जब मेजर करेंगे तो ये आपको थोड़ा सा एरर देगा। तो अब देखिए, अब आपका यहाँ पे मैक्सिमम यहाँ पे आ रहा है 7000 समथिंग माइक्रो सेकंड्स आ रहा है, लेकिन अगर मैंने इसमें अगर मिली सेकंड 100 अगर जोड़ दिए तो ऑलरेडी बहुत ज्यादा हो गया ये तो, है ना। तो इसीलिए आपको यहाँ पे आपको डिले यहाँ पे ऐड नहीं करना है, ये आपके रिजल्ट में आपको एरर प्रोड्यूस कर देगा। तो आपको यहाँ पे कभी भी लो सिग्नल के बाद आपको डिले नहीं लेना है। सबको क्लियर हुआ ये पॉइंट कि हम डिले क्यों नहीं लेते हैं ट्रिगर पिन के बाद? सर ये एक्चुअली प्रैक्टिकली तब होगा ना, अगर ये जब आप लो हाई दिखा रहे, ये कहीं पे स्टॉप हो जाए उसके बाद पता लगेगा कि जो ये 100 ऐड हुआ उसमें कि नहीं ऐड हुआ लास्ट में। अभी तो ये कंटिन्यूसली चल रहा है तो हम तो इसको नहीं फिगर आउट कर सकते ना कि ये 100 लास्ट में जो डिले टाइम है ये ऐड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, मैं जैसे ही हमारा प्रैक्टिकल खत्म होगा, हम जब सेंटीमीटर में इसे काउंट करेंगे ना, तब मैं आपको ये रिजल्ट आपको शो करूंगा। तो यहाँ पे हमारे ये लाइन तक आपका डाटा क्लियर हुआ कि ये पल्स इन फंक्शन हमें क्या रिटर्न करता है, तो हमें ये टाइम रिटर्न करता है जो कि माइक्रो सेकंड्स में है। अब मुझे एक्चुअली मुझे मेजर क्या करना है अल्ट्रासोनिक सेंसर से, अल्ट्रासोनिक सेंसर से मुझे मेजर क्या करना है, मुझे जो प्रोजेक्ट जो बनाने हैं उसमें मुझे डिस्टेंस मेजर करना है, मुझे डिस्टेंस मेजर करनी है। तो आपको अगर डिस्टेंस अगर मेजर करनी है तो आपको डिस्टेंस मेजर करने के लिए आपके पास यहाँ पे तो टाइम है, आप डिस्टेंस कैसे मेजर करोगे? तो मेरे पास स्पीड का फॉर्मूला है स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम
स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. ठीक, डिस्टेंस अपॉन टाइम. सो यहां पे आपके पास टाइम स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो आपका टाइम तो आपको वेरिएबल मिल गया है आपके पल्स इन फंक्शन से. स्पीड ऑफ साउंड कितना है? स्पीड ऑफ साउंड है आपका 343 मीटर पर सेकेंड. ये कांस्टेंट है सर? ये कांस्टेंट है. स्पीड ऑफ साउंड इज 343 मीटर पर सेकेंड. हाँ, तो ये आपका कांस्टेंट वेरिएबल है, ये आपको हमेशा इतना ही मिलेगा. टाइम आपको किस में मिल रहा है? माइक्रो सेकेंड में. स्पीड आपकी क्या है? मीटर पर सेकेंड. तो यहाँ पे एक्चुअली ये जो स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम है, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो यहाँ पे मुझे डिस्टेंस चाहिए, तो डिस्टेंस इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? स्पीड इनटू टाइम. हाँ जी सर, ठीक है सर. हाँ, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस इनटू टाइम. आपका टाइम जो डिनोमिनेटर में है वो मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा इक्वल्स के इधर जाएगा. तो डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड अपॉन स्पीड इनटू टाइम. तो यहाँ पे आपके पास है 343 मीटर पर सेकेंड इनटू टाइम है आपका x माइक्रो सेकेंड. ये आपका टाइम किस में मिल रहा है आपको? माइक्रो सेकेंड. ये एक वैल्यू है, x एक वैल्यू है माइक्रो सेकेंड. तो कभी भी हम जब मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन जब करते हैं तो यूनिट जो है वो सेम रखते हैं, क्योंकि आपको जो डिस्टेंस जो चाहिए होगा या तो वो मीटर में चाहिए होगा या तो सेंटीमीटर में चाहिए होगा. हाँ ना, तो यहाँ पे जो आपके पास जो फॉर्मूला आ रहा है वो मैं पहले यूनिट्स में कर लेता हूँ. मैं मीटर पर सेकेंड मल्टीप्लाइड बाय माइक्रो सेकेंड. मैं यूनिट्स को पहले मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेता हूँ. तो ये आपके माइक्रो सेकेंड और सेकेंड आपका, या तो मुझे इस सेकेंड वाले यूनिट को माइक्रो सेकेंड में कन्वर्ट करना होगा या तो माइक्रो सेकेंड वाले यूनिट को मुझे सेकेंड में कन्वर्ट करना होगा. क्लियर है ना? ये देखिए आपके सामने एक ये सेकेंड में है और ये माइक्रो सेकेंड में है. हाँ जी सर, अंडरस्टूड सर. बिकॉज़ आपने किसी में एक कॉमन इसमें कन्वर्ट करना है ना, मुझे किसी ना किसी को एक कॉमन इसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा. हाँ ना, यस. हाँ ना, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इस वाले यूनिट को जो मेरा 343 मीटर पर जो सेकंड है, इस यूनिट को मैं सेंटीमीटर पर माइक्रो सेकंड में कन्वर्ट कर लेता हूँ. सेंटीमीटर पर माइक्रो सेकंड, ताकि ये जो माइक्रो सेकंड है, ये माइक्रो सेकंड इसके साथ कम हो कट हो जाए और मेरा जो यूनिट जो बचे वो सेंटीमीटर में बचे. तो आपको डिस्टेंस अभी किस में मिलेगी? सेंटीमीटर में. क्लियर हुआ सबको? थोड़ा सा मैथमेटिक्स है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है. जस्ट मैं बहुत ज्यादा अंडरस्टैंड करवाने के लिए आपको इतना डेप्थ में लेके जा रहा हूँ. मुझे कन्वर्ट करना है तो सेकेंड से अगर मैं माइक्रो सेकेंड ले जा रहा हूँ तो ये आपका हो जाएगा 343 मीटर अपॉन जो है 10 रेस टू दी पावर प्लस 6 माइक्रो सेकेंड. क्लियर? हाँ जी सर, ठीक है सर. बराबर है. फिर मैं इस 10 रेस टू प्लस 6 को ऊपर ले जाऊंगा न्यूमरेटर में तो ये हो जाएगा 10 रेस टू माइनस 6. यस ठीक है, बराबर है. लेकिन हमें जो डिस्टेंस जो मेजर करनी है, हमें एक्चुअली बहुत कम डिस्टेंस मेजर करनी है. तो हमें मीटर वाला जो फॉर्मूला है वो आपको मीटर में आपको जो एक्यूरेसी है वो बहुत कम मिलेगी. तो हम अगर इस डिस्टेंस को अगर सेंटीमीटर में अगर कन्वर्ट करें. हाँ राइट, ठीक है, अंडरस्टूड सर. तो हम इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, सेंटीमीटर पर माइक्रो सेकंड में इसको कन्वर्ट करें, ताकि ये माइक्रो सेकंड तो हमारे इस माइक्रो सेकंड के साथ कट हो जाए और यहाँ पे जो सेंटीमीटर है
ये आपको डिस्टेंस जो है आपको सेंटीमीटर में मिल जाए। तो यहाँ पे 1 सेंटीमीटर इज 1 सेंटीमीटर इक्वल टू हाउ मेनी माइक्रोसेकंड्स सर? 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू हाउ मेनी माइक्रोसेकंड्स सर? नहीं माइक्रोसेकंड में कर रहे हैं आप या फिर या मीटर पर सेकंड के हिसाब से कर रहे हैं? ये हम मीटर वाला जो है, ये जो हमारा जो मीटर है यहाँ पे, ये जो मीटर है, मीटर को हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो ओके ठीक है, मीटर को सेंटीमीटर में, ओके ना, तो 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। यस सर, ठीक है, ठीक है। तो ये इस तरह से ये कैलकुलेशन ये होगा। तो मैं बहुत ज्यादा आज मतलब जाते हुए मैं आपको सिंपल बताता हूँ ये कि 343 मीटर पर सेकंड को जब मैं सेंटीमीटर पर माइक्रो सेकंड में कन्वर्ट करूंगा तो ये हो जाता है 1/29। बस इतना ये आप जब कैलकुलेशन करोगे ना मीटर टू मीटर पर सेकंड को जब आप सेंटीमीटर पर माइक्रो सेकंड जब कन्वर्ट करोगे ना तो आपको ये वैल्यू आएगी। अभी क्या है ये मैथमेटिक्स ऑपरेशन करके थोड़ा सा मतलब जो ब्रेन है हमारा जो मैथमेटिक्स में जो टीचर्स इन्वॉल्व नहीं है उनके लिए हार्ड हो जाएगा। So, means, ये, आप बोलने का मतलब कि ये एक स्टैंडर्ड वैल्यू है 343 मीटर पर सेकंड को जब हम कन्वर्ट करते हैं तो सेंटीमीटर पर माइक्रो सेकंड में तो ये 1/29 ही आएगा। यस 1/29। तो ठीक है सर, इसी को लेके चलते हैं, ये अज्यूम कर लेते हैं कि 1/29 ही है। ठीक है, तो अब मेरा जो फॉर्मूला जो बनेगा, अब मुझे स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। सर ये उल्टा उल्टा चल रहा है सर। यस यस, एक सेकंड। Speed equals to distance upon time. अभी clear है? हाँ जी sir. तो मुझे distance जब निकालनी है तो distance equals to speed into time. Into time. तो आपका speed कितना आया? 1/29 centimeter per centimeter per micro second into time कितना है? X. X मतलब ये X क्या है? ये X तो आपको यहाँ से value मिल रही है। ये जो X value है, ये X value आपकी ये वाली है। ये जो भी ये डिस्टेंस आ रही है, ये जो आपको जो भी वैल्यू दिख रही है, इसमें से ये जो भी वैल्यू वहां पे अल्ट्रासोनिक सेंसर देगा वो एक्स की जगह पे आ जाएगी। ओके सर, हां ये बट एक्स तो बहुत सारी वैल्यूज दे रहा है ना सर, आप कौन सी वैल्यू लोगे? वो हर बार जो भी वैल्यू देगा, हर बार जो वैल्यू देगा। अभी जैसे हमें 7000 समथिंग वैल्यू दे रहा है तो एक्स की वैल्यू 7000 समथिंग हो जाएगा। फिर जब सर अभी लास्ट में तो कोई 36 कुछ ऐसे आया था। मैम यहां पे हम जब भी लो हाई लो सिग्नल देंगे तो एट द एंड मुझे एक ही वैल्यू मिलती है। फिर से सर आप द्वारा दिखाओगे सर वो जो स्क्रीन जो अभी आपने दिखाया था जहाँ पे वो डिस्टेंस आ रहा था? ये देखिए, हाँ ये वाला, हाँ, ये लास्ट में 36 है। लास्ट में 36 है तो अभी एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी वहाँ पे? 36 माइक्रो सेकंड। ओके ठीक है, हाँ। फिर आप लो हाई लो सिग्नल दोगे तो आपको सपोज थोड़ा सा ऑब्जेक्ट थोड़ा सा दूर है तो आपको 97 माइक्रो सेकंड देगा, और बहुत ज्यादा दूर है तो आपको 6472 माइक्रो सेकंड। अब यहाँ पे ये जो कैलकुलेशन होगा 1/29 × 36 इसका जो भी कैलकुलेशन होगा वो आपका सेंटीमीटर होगा। जो भी इसकी सर, ये जो कैमरा वाला विंडो इसको बंद कर दीजिए सर, या साइड में मिनिमाइज कर दीजिए सर, तो आप जो लिख रहे हैं वो नहीं दिख रहा है हमें। अच्छा, अभी मैम क्लियर है? हाँ जी सर, राइट सर, राइट। तो यहाँ पे ये आपका जो भी वैल्यू रहेगा ये आपका सेंटीमीटर में रहेगा, जो भी यहाँ पे 36 की जगह पे अगर सपोज 200 है तो 576 सेंटीमीटर आएगा, 1000 होगा 2000 होगा तो 20 सेंटीमीटर, जो भी कैलकुलेशन होगा वो तो हमारे ब्रेन को करना है कैलकुलेशन। ओके सर, क्लियर। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन आ गया, यहाँ पे एक और क्वेश्चन ये आता है कि मुझे अगर गुड़गांव से दिल्ली का डिस्टेंस कितना है मैम? सर 1/29 × 36 सर, इस 9 सेंटीमीटर ही कैसे मिला सर आपको? मैम 9 सेंटीमीटर नहीं, ये क्वेश्चन मार है। अच्छा ओके ओके, मेरे को लगा 9 सेंटीमीटर है। तो ठीक है सर, गुड़गांव से मैम दिल्ली का कोई बता सकता है कि गुड़गांव से दिल्ली का डिस्टेंस कितना है? चलिए मैं अपने एरिया में आ जाता हूँ, जैसे मैं जहाँ पे रहता हूँ परतवाड़ा, और मेरे यहाँ से अमरावती डिस्ट्रिक्ट जो है वो 50 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है। ओके सर, ये 50 किलोमीटर मैं आने जाने की डिस्टेंस मेजर करता हूँ या सिर्फ एक ही साइड की डिस्टेंस लेता हूँ? आने जाने ये आप बताएं, आप अगर मुंबई से आप नागपुर आओगे
तो आपका डिस्टेंस अज्यूम कीजिए 500 किलोमीटर है, तो ये आने और जाने का दोनों का डिस्टेंस है 500 या सिर्फ एक साइड का डिस्टेंस है? ओनली वन साइड सर, है ना, एक ही साइड का है ना। लेकिन हमें ये जो टाइम मिल रहा है, ये हमें कौन सा टाइम मिल रहा है? ट्रांसमिशन और रिसेप्शन का। ओके, दोनों टाइम। ओके, क्लियर? हाँ जी सर। तो मुझे क्या करना होगा, डिवाइड बाय 2 करना होगा, राइट? हां, तो मेरा फार्मूला क्या बन जाएगा, 1 अपॉन 29 इनटू 36। हां, ये 36 लिख रहा हूं, ठीक है, द होल डिवाइडेड बाय 2 बाय 2। क्लियर? यस सर। तो ये एक्चुअली आपका ये फार्मूला बनेगा। अब ये फार्मूला सबको क्लियर हुआ तो जरा दिखा दो नीचे। हां राइट, हां ये फार्मूला सबको क्लियर हुआ, 1 अपॉन 29 मल्टीप्लाईड बाय ये जो टाइम है माइक्रो सेकंड में, मैं 36 लिखूंगा तो कहीं गलत हो जाएगा, टाइम डिवाइडेड बाय ये 2। यस सर। हां, अब हम आ जाते हैं वापस प्रोग्राम में। तो अब मैं लिखूंगा यहां पे, मैं देखिए ये सीरियल डॉट प्रिंट एलएन को यहां से कट कर देता हूं, ठीक है। अब मैं क्या लिखूंगा, मेरा फार्मूला, अब मुझे क्या मेजर करना है, डिस्टेंस। तो मैं वापस से एक ग्लोबल वेरिएबल दे देता हूं, डिस्टेंस इंटीजर डिस्टेंस। तो इसको साथ में कर दीजिए ना, आई एन टी टी कॉमा डिस्टेंस, ये साथ में नहीं आ जाएगा? यस मैम, वो भी आ सकता है। तो मैं आ जाता हूँ अपने प्रोग्राम पे। यस, तो यहाँ पे मैं जैसे ये जैसे पुष्पा मैम कह रहे हैं कि ये टी कॉमा डी लिख लेता हूँ, डी या राइट सर, दिस लिख लेता हूँ, तो डिस्टेंस, ठीक है। तो यहाँ पे आपका एक डिस्टेंस वाला एक ग्लोबल वेरिएबल आ गया। तो अब मेरे पास डिस्टेंस DIST इक्वल्स टू 1 अपॉन 29 मल्टीप्लाइड बाय टी, यस ठीक, होल डिवाइडेड बाय 2 होल डिवाइडेड बाय 2। ये यही फॉर्मूला है? यस सर, दैट्स राइट। हां, और मैं यहां लिख लेता हूं प्रिंट एलएन, सीरियल डॉट प्रिंट एलएन एलएन डिस्ट डिस्ट, ठीक है। इसको आप डबल इनवर्टेड कॉमास में नहीं लिखोगे, अगर आप इसे डबल इनवर्टेड कॉमा में लिखोगे तो ये आपका एक स्ट्रिंग बन जाएगा। ये जैसे देखिए, ये देखिए, हां ये वाला डिस्ट अलग है और ये वाला डिस्ट अलग है, ये आप नाम वहां पे प्रिंट करवा रहे हो कि आपको डिस्ट वहां पे प्रिंट होना चाहिए, और ये वेरिएबल में जो भी वैल्यू रहेगी वो प्रिंट होगी, है ना। तो यहां पे मैं लिखता हूं डिस्टेंस इन सेंटीमीटर, ठीक, सीरियल डॉट प्रिंट डिस्टेंस इन सेंटीमीटर अपॉन सीरियल डॉट प्रिंट एंड डिस्टेंस। प्रोग्राम को अपलोड करता हूं, और वो केबल मेरे लिखते टाइम मेरे बीच में आ गई, इसलिए मैं डिस्कनेक्ट कर दे रहा हूँ। मैं सीरियल मॉनिटर ओपन कर रहा हूँ, तो डिस्टेंस इन सेंटीमीटर इज 0 दिखा रहा है मुझे, सर इसको डिस्टेंस को फ्लोट में ले लीजिए सर, फ्लोट गिविंग ओनली इंटीजर वैल्यू दे रहा है आपको।
सर डिस्टेंस को फ्लोट में ले लीजिए सर. मैम उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, बस सी प्लस प्लस में तो थोड़ा सा होता है सर वेरिएशन. डिवाइडेड बाय 2.0 कर दीजिए. मैम वो डिस्टेंस आपका सेंटीमीटर में जो आएगा इंटीजर वैल्यू ही आता है, उसके साथ फ्लोट नहीं आएगा उसमें. तो ये देखिए मैम, अब आपके सामने जो यहाँ पे फॉर्मूला ये चेंज किया मैंने, सिर्फ मैंने इस फॉर्मूले को यहाँ पे, जैसे मैं एक सेकंड, मेरा ये पहले फॉर्मूला था. हाँ जी सर, हाँ जी सर. तो मैंने क्या किया, ये टी को मैंने 1/29 मल्टीप्लाइड बाय टी लिखना या टी बाय 29 लिखना एक ही है हाँ. और मैंने फिर यहाँ से इस राउंड ब्रैकेट को भी हटा दिया और डिवाइड बाय ऐसे 2 कर दिया. क्लियर है? हाँ जी सर. ठीक, और मैं इस प्रोग्राम को अपलोड करता हूँ. तो हमारा जो फॉर्मूला बन गया टी डिवाइडेड बाय 29 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आपका सर इसको टी अपॉन 29 को ब्रैकेट में डालिए सर. टी अपॉन 29 को ब्रैकेट में. ठीक है, सेम है. आपको और अच्छे से दिखे. थोड़ा सा अब डिले दे देता हूँ ताकि वो जो डिस्टेंस मुझे अब मिलेगी ना, एक सेकेंड के बाद डिस्टेंस मिलेगी. ये वाला डिले आपके डिजिटल राइट में अफेक्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि आपका डिस्टेंस के बाद एक सेकेंड का डिले है और उसके बाद वापस वो ट्रिक लो हाई लो होगा जो ऊपर जब जाएगा. तो अब आपका ये जो सेंटीमीटर में डिस्टेंस आ रहा है, अब इसे चेक कर लेते हैं. ये देखिए 132 सेंटीमीटर, 132 कांस्टेंट है, 132 डिस्टेंस इन सेंटीमीटर. ये देखिए मैं आपके सामने वापस एक विंडो लेके आ रहा हूँ. मेरी विंडो दिख रही है आपको? हाँ जी सर. सर्किट हाँ, ये देखिए बहुत ज्यादा क्लोज ला लिया तो आपका 3 सेंटीमीटर, थोड़ा सा ऊपर ले जा रहा हूँ, 7 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 11 सेंटीमीटर, 17 सेंटीमीटर, 19 सेंटीमीटर, 21 हो रहा है? यस सर, यस सर. तो ये आपका ऐसे आपका ये डिस्टेंस मेजर होगा. ठीक है, तो यहाँ तक आपको क्लियर हुआ अल्ट्रासोनिक सेंसर? यस सर, यस सर. किसी को कोई डाउट है इस प्रोग्राम में? So this was a session which I enjoyed the most. Mm-hmm. Ultrasonic sensor. Mm-hmm. Actually, मैं sensors में ज़्यादा interested हूँ sir. मैम है, बहुत सारे sensors हैं हमारे पास, लेकिन step by step अगर जाएंगे ना तो क्या है, interest भी बढ़ेगा. और मुझे अभी मुझे ये लगता है कि जिन्होंने भी अगर इस session को enjoy किया हुआ है, मुझे लगता है ऐसे याद करने की अब जरूरत नहीं है. आप normally आप ये instruction वैसे ही लेके जाओगे, करना क्या है. तो किसी का कोई question? ये जो सर आपने ट्रिक इजिकल टू 6 और इको इजिकल टू 5, तो इसके साथ आपको ये जो आपके जो वायर्स जो होते हैं उसके साथ कनेक्ट करोगे सर द रेस्पेक्टिव पिन, या फिर डायरेक्टली अल्ट्रासोनिक के जो 4 पिन्स दिए हुए डायरेक्टली आप उसके अंदर कैसे डालोगे सर? तो एक तो ग्राउंड है, एक पावर है आपका, एक पिन नंबर 6 है, एक पिन नंबर 5 है. नहीं नहीं मैम, यहाँ पे देखिए अल्ट्रासोनिक सेंसर है, यहाँ पे देखिए मेल सिग्नल है यहाँ पे. हाँ जी सर. आप ऑडिनो में आएंगे आप तो आप ऑडिनो में आपको ऑडिनो में आपको फीमेल कनेक्टर्स मिलेंगे वहां पे इनबिल्ट. तो यहां पे मुझे ये समझ आता कि आप फीमेल टू फीमेल, मेल टू मेल, फीमेल टू मेल ये कब यूज करते हैं बायस को सर? मैम यहां पे जैसे यहां पे मेल पिन है यहां पे, तो आपको अगर इसको कनेक्ट करना है तो आपको फीमेल वाला टाइप का यहां पे यूज करना पड़ेगा. अब मुझे मेल टू मेल कनेक्टर चाहिए या मेल टू फीमेल चाहिए या फीमेल टू फीमेल चाहिए, तीन ऑप्शन है. तो ब्रेडबोर्ड में एक सिग्नल एक पॉइंट कहाँ कौन सा लगेगा, मेल जाएगा या फीमेल जाएगा यहाँ पे?
सर इसका मेरे को आइडिया नहीं है सर. दिस इज व्हाट आई वांट टू अंडरस्टैंड. ये जो पॉइंट है मैम ये फीमेल, इस पॉइंट को फीमेल कहते हैं, जो जो ओपन रहता है वो फीमेल पॉइंट है. ओके सर. अब यहां पे हम मेल कनेक्टर ही यूज करेंगे. अब मैं जैसे यहां पे मेल, एक सेकंड, मेल टू मेल कनेक्टर. अब ये मैम यहाँ पे आप ये वाला ही पॉइंट यूज करोगे जिसमें जिसमें पॉइंट है. ये देखिए आपको ये वाला सिग्नल देता है जिसमें पॉइंट देता है आपको. हाँ जी सर. हाँ ना, यहाँ पे ये जब मेल जब पॉइंट यूज करेंगे तो ही यहाँ पे प्रॉपरली फीमेल पॉइंट में इंसर्ट हो पाएगा वहाँ पे, और वो कनेक्शन हो पाएगा. फीमेल पॉइंट वहाँ पे यूज नहीं कर पाएंगे ना. ओके सर. हाँ उसी तरह से ऑडिनो में भी आप देखोगे तो ऑडिनो में भी आपको इसी तरह से आपको फीमेल कैरेक्टर इनबिल्ट रहेगा वहां पे. अब जैसे ऑडिनो, अब जैसे यहां पे आप ऑडिनो 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 पेनो, यस ये देखिए यहां पे भी ऑडिनो में भी आपके कनेक्टर्स कौन से टाइप के लगे हुए हैं बाय डिफॉल्ट. यहां पे फीमेल टाइप के कनेक्टर्स लगे हुए तो यहां पे आपको मेल कनेक्टर यूज करना पड़ेगा. तो यहाँ पे हमारे अल्ट्रासोनिक सेंसर में ऑलरेडी मेल लगे हुए हैं तो यहाँ पे आपको फीमेल यूज करना पड़ेगा. ओके अच्छा ठीक है सर. तो सर ब्रेड बोर्ड में आपने बोला जो बीच के जो जो होल्स हैं दिया बेसिकली फीमेल. हाँ वो फीमेल ही. तो उसका मतलब ब्रेड बोर्ड में सारे यार ऑल अ फीमेल ओनली. हाँ तो वहाँ पे आपके कनेक्टर जो है वो मेल ही लगेगा. ओके ठीक है सर. हाँ नहीं तो सर फिर ऑडिनो में भी तो सारे आपके फीमेल ही तो हैं. ये देखिए ना मैम ऑडिनो में सारे फीमेल ही हैं तो यहाँ पे भी मेल ही लगेंगे. ओके ओके. अल्ट्रासोनिक सेंसर में आप देखिए अल्ट्रासोनिक सेंसर में कौन से सिग्नल हैं, पॉइंट्स हैं यहाँ पे मेल लगे हुए. ओके सर. ये फोर पॉइंट तो यहाँ पे फीमेल कनेक्टर्स लगेंगे. तो कब मुझे मेल फीमेल चूज करना है वो डिपेंड करता है कि हमारा सेंसर या बोर्ड किस टाइप का है. तो यहाँ पे जो हमने जो प्रोग्राम अभी देखा है तो ज्यादा और अच्छा रहेगा. कोई बता सकता है रिवीजन भी हो जाएगी. बाकी मैम सेशन रिकॉर्ड हो रहा है तो आपको रिकॉर्डेड सेशन मिल जाएगा जो लेट ज्वाइन हुए हैं. तो कोई बता सकता है ये अल्ट्रासोनिक सेंसर की रिवीजन अगर करवानी हो तो. सर मैं बता दूं सर. हाँ हाँ यस मैम बता दूं. ओके आई ट्राई माय लेवल बेस्ट टू टीच बट आई डोंट थिंक आई कैन टीच सो वेल एज सुमित सर इज टीचिंग. थैंक यू मैम. नहीं मैम सर आप अपना प्रोग्राम दिखा दीजिए सर स्क्रीन पे. सर यस मैम ये प्रोग्राम. ओके यहाँ पे सर ने बेसिकली इन्होंने एक अल्ट्रासोनिक सेंसर लिया है जिसके बेसिकली चार पिन्स होते हैं. सर कैन यू शो मी द पिक द अल्ट्रासोनिक. यस अभी ये देखिए इसमें चार पिन्स हैं. इसमें द फर्स्ट पिन ओवर हियर इट इज बेसिकली एक तो आपका पावर है VCC का है जैसे सर ने अभी एक्सपैंड किया है. सेकेंड इज एक ट्रिक के लिए पिन है. थर्ड इको है और फोर्थ वाला आपका ग्राउंड है. तो VCC में आपका पावर लगेगा 5 वोल्ट का लग जाएगा तो आप उसमें वायर लगा सकते हो. ग्राउंड इज यू कैन डायरेक्टली पुट इन द ग्राउंड. नाउ लेफ्ट इज ओनली 1 ट्रिक एंड 1 echo. तो अभी ट्रिक और एको के लिए जो है वी हैव टू अज्यूम दैट दिस पर्टिकुलर वी हैव टू अज्यूम सम वेरिएबल्स फॉर इट. हम उनमें कोई वैल्यू देंगे और फिर उस वैल्यू से हम कैलकुलेट करेंगे बिकॉज बेसिकली अल्ट्रासोनिक जो है आपका ये जो डिवाइस जो है इट इज बेसिकली मेजरिंग डिस्टेंस राइट. और इसमें आप देखोगे जैसे राइट लेफ्ट हैंड साइड में एक वैल्यू है टी मीन्स ट्रांसमीटर एंड आर इज बेसिकली रिसीवर. तो बेसिकली ट्रिगर क्या करता है इसमें जो है वेव्स इसके जो है अप एंड डाउन जाते हैं. जब वो ऊपर की तरफ जाता है तो इट मीन्स इट इज हाई एंड व्हेन इट इज कमिंग डाउन इट मीन्स इट इज बेसिकली लो. तो ऐसे ये ट्रिक करता है. मतलब वेव्स विल गो इट विल टच अ पर्टिकुलर प्लेस जहां पर भी आपका कोई ऑब्जेक्ट आता है उसको टच करके जो इसके जो सिग्नल वेव्स वापस आते हैं ठीक है दैट इज द रिसीविंग ऑफ इट. तो ट्रांसमिटिंग एंड रिसीविंग दिस पर्टिकुलर थिंग इज गोइंग ऑन एंड अल्टीमेटली इट गिव्स द सेंस एंड वैल्यू टू द एको और एको उसको उस वैल्यू को डिस्प्ले करता है. आई होप सुमित सर टिल हियर इट इज करेक्ट. एक थोड़ा सा मैं ब्राउन थोड़ा सा मैं और क्लियर कर देता हूं. जैसे जैसे मैंने ऑलमोस्ट सब सही बताया हुआ है तो यहां पे जैसे फोर पिंस है VCC ट्रिगर इको ग्राउंड. तो VCC को पावर सिग्नल देना है ग्राउंड को ग्राउंड सिग्नल देना है. फिर आपको ये जो टी दिख रहा है ये ट्रांसमीटर सेक्शन है ये रिसेप्शन सेक्शन है. तो यहां पे क्या होता है कि हम एक प्रॉपर एक प्रोटोकॉल देते हैं
इस अल्ट्रासोनिक सेंसर को हम एक सिग्नल देते हैं, अज्यूम करते हैं हम कोई सिग्नल दे रहे हैं, तो ये ट्रांसमीटर सेक्शन क्या करेगा, इस ट्रांसमीटर सेक्शन से एक साउंड वेव प्रोड्यूस होगा और वो किसी ऑब्जेक्ट को जाके रिफ्लेक्ट, उस ऑब्जेक्ट को टकराएगा, और टकराने के बाद वहां से जब रिफ्लेक्ट होगा तो ये रिसीवर के पास ही रिसीव होगा। तो यहाँ पे ये प्रोसेस फॉलो करने के लिए ट्रांसमीटर सिग्नल कब सेंड करेगा, तो इसके लिए हमें क्या करना है, ये जो आपको ट्रिगर पिन दिख रहा है, इस ट्रिगर पिन को हमें एक लो हाई और लो एक सिग्नल देना होगा, लो हाई लो सिग्नल देना होगा। जैसे ही हम इस ट्रिगर पिन को लो हाई लो सिग्नल देंगे तो ये ट्रांसमीटर यहाँ से साउंड वेव प्रोड्यूस करेगा, और किसी भी ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होने के बाद जैसे ही ये रिसीवर पे पहुंचेगा, तो रिसीवर पे जैसे ही पहुंचा तो ये इको पिन अपने आप हाई हो जाएगी, ये इको पिन अपने आप हाई हो जाएगी। तो हमें क्या करना है, हमें मॉनिटर करना है, जैसे ही मैंने ट्रिगर पिन से लो हाई लो पल्स दिया तो बाद में मुझे मॉनिटर करना है कि ये इको पिन हाई कब हो रही है। तो जैसे ही इको पिन हाई हुई तो इसका मतलब मेरे रिसीवर पार्ट पे जो ट्रांसमिट किया हुआ जो सिग्नल था वो रिसीव हुआ है। तो इस ट्रांसमिशन और रिसीवर सिग्नल के बीच में जो भी मुझे वेव को आने और जाने में जो भी टाइम मुझे मिला, वो मैं टाइम आपको मतलब टाइम वाले वेरिएबल में हम उसे स्टोर कर सकते। तो मैम ने यहाँ तक के ऑलमोस्ट अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया। अब आई थिंक मैम आपके सामने ये ट्रिगर में हम हाई लो हाई क्यों भेज रहे हैं, ये मैम कैसे भेज रहे हैं? यस, ये मैम एक प्रोटोकॉल है, ये एक प्रोटोकॉल है कि मुझे हाई लो लो हाई लो सिग्नल मुझे भेजना ही है, ये कंपलसरी है, करना ही है, तभी जाके वहां से साउंड वेव से ट्रांसमीटर से साउंड वेव जनरेट होगी। अब ये कैसे करेंगे, ये अब कैसे करेंगे? तो आप एलईडी को लो सिग्नल देते हो या हाई सिग्नल देते हो, तो आप कौन सा वाला फंक्शन यूज करते हो ऑडियो में? डिजिटल राइट। तो यहाँ पे भी अगर लो सिग्नल देना है तो कौन सा फंक्शन यूज करना पड़ेगा, डिजिटल राइट, फिर कॉमन लो, डिले वेरी लो लेस, ओके, ट्रिगरिंग कर रहे सिर्फ हम लोग, हम इसे ट्रिगर कर रहे हैं। ये ट्रिगर हमने वेरिएबल का नाम दिया होगा, इसको भी हमने नाम दिया, ये ऊपर हमने नाम दिया होगा, मैं इसे टी भी लिख सकता हूँ और इको को ई भी लिख सकता हूँ, ये सिंपली नाम है। तो ये हमने 65 नंबर पे पिन पे पॉइंट हमने कनेक्ट किए। अब ये आउटपुट और इनपुट कैसा हुआ, तो ये अब पुष्पा मैम आपको एक्सप्लेन करेगी, ट्रिगर आउटपुट कैसे और इको इनपुट कैसे। So this is basically trigger is basically output because Arduino is giving the signal to the trigger. Trigger. So that is why trigger is considered as output. And because the echo is giving us the out this thing, usko signal mil raha hai from the trigger, from the trigger. So that is why echo is considered as the input. So, right, sir? Yes. So jaise yahan pe ma'am ne jaise kaha ki hum LED ko jab low aur high dete hain, to signal kaun de raha hai? Arduino. तो ऑडियो ने जब किसी को सिग्नल दिया तो वो डिवाइस आउटपुट हो गया ऑडियो के लिए, ऑडियो ने किसी से सिग्नल लिया तो वो डिवाइस इनपुट हो गया ऑडियो के लिए। तो यहाँ पे जो हम लो हाई लो सिग्नल दे रहे हैं, ये ऑडियो दे रहा है ट्रिगर पिन को, तो इसलिए ट्रिगर पिन क्या हो गई आपकी आउटपुट। और इको पिन क्या है, यहाँ पे जैसे देखिए यहाँ पे जो आपके सामने ये यहाँ पे इको पिन है, इको पिन को हम मॉनिटर कर रहे हैं कि ये हाई कब होगी, तो ये हाई कब होगी जब यहाँ पे रिसीवर पे सिग्नल रिसीव्ड होगा तो ये अपने आप हाई हो जाएगी। तो ये अब ऑडिनो को बताएगी इको पिन कि मैं हाई हो चुकी हूँ, तो हाई हो चुकी हूँ इसका मतलब ये ऑडिनो को सिग्नल बता रही है कि मैं हाई हो गई हूँ, तो ये इको पिन क्या हो गई, इनपुट। क्लियर? यस सर। हाँ, फिर उसके बाद फिर आगे वापस हम अब आगे जैसे कि यहाँ पे देखिए लूप फंक्शन में ये हमने प्रोटोकॉल कर लिया लो हाई लो, फिर हम मॉनिटर कर रहे हैं यहाँ पे पल्स इन फंक्शन में इको पिन कब हाई हो जाए, जैसे ये हाई हो गई तो पुष्पा मैम अभी आगे एक्सटेंड करेंगी आपको। तो बेसिकली यहाँ पे मैम ये जो टी जो सर ने लिया है यहाँ पे, ये एक वेरिएबल है फॉर रिटर्निंग द पर्टिकुलर वैल्यू फ्रॉम दिस पल्स इन, ये जो फंक्शन जो है जो इनबिल्ट फंक्शन है ऑडिनो में, उसमें हम इको की वैल्यू यहाँ पास कर रहे हैं एंड वी गिविंग द दिस थिंग एज हाई। तो जो भी वैल्यू जो इको की होगी वो जो है आपका वेरिएबल टी में इसकी वैल्यू रिटर्न हो रही है। Now after this we have to calculate the particular distance. So for calculating the distance, you know the formula is distance is equal to speed is equal to distance upon time. Right? So yahan pe jo hai distance is not given over here. We know the particular jo sir ne abhi jo bataya tha hame jo working of this particular sensor in which we were getting some particular value. इको की वैल्यू आ रही थी उसमें, तो उसमें जो है बाई डिफॉल्ट सारा कुछ कैलकुलेट करके इट वॉज कमिंग एज
यू कैन से 1/29 है ना सर. तो ये मैम जो ये जो अभी जो कैलकुलेशन अभी जैसे मैम आपको बताना चाह रहे हैं तो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ. तो मुझे ये जो पल्स इन फंक्शन से मुझे रिटर्न क्या मिल रहा है, मुझे यहाँ पे रिटर्निंग टाइम इन माइक्रो सेकंड बिटवीन ट्रांसमिटिंग एंड रिसीविंग सेशन. तो जो भी ट्रांसमिटिंग सर ये पल्स इन कीवर्ड क्या है इसका मीनिंग क्या होगा ये मैम ये पल्स इन फंक्शन. अब जैसे इस अल्ट्रासोनिक सेंसर में मुझे इको पिन को मॉनिटर करना है कि ये इको पिन हाई कब हो रही है. तो एक प्री डिफाइंड एक फंक्शन बना हुआ है ऑडिनो में जो ये मॉनिटर करता है कि ये इको पिन हाई कब हो रही है. ये पल्स इन के अंदर ही यहाँ पे पल्स इन. तो रिसीवर को पल्स कब रिसीव हुई इन कब हुई वो यहाँ पे ये मॉनिटर करता है रिसीवर सेक्शन पे. वो जो साउंड जो ट्रांसमीटर ने भेजा था वो जैसे ही रिसीव हुआ तो ये हम उसको यहाँ पे ये इको पिन यहाँ पे मॉनिटर होते रहेगा कि ये इको हाई कब हो रही है हाई कब हो रही है. तो ये पल्स इन को जैसे ही ये इको हाई हुआ मतलब इसका मतलब समझ गया यहाँ पे कि ये मेरे पास वहाँ पे साउंड जो मुझे रिटर्न आई हुई है जो ट्रांसमिट हुई है. तो ये पल्स इन फंक्शन क्या करता है ये एक्चुअली ट्रांसमिटिंग और रिसीविंग में कितना टाइम लगा वो आपको वैल्यू रिटर्न करता है. तो मतलब यहाँ पे आपने मैंने एक बॉल फेंका 10 मीटर की दूरी पे तो उसको जाने में और वहां से रिटर्न आने में जैसे एक बॉल है वहां पे मैंने बॉल थ्रो किया तो उसको जाने में और वापस मेरे पास आने में कितना टाइम लगा तो वो वैल्यू जो है वो रिटर्न करता है पल्स में. क्लियर सर इन टर्म्स ऑफ टाइम. हाँ इन टर्म्स ऑफ टाइम वो भी माइक्रो सेकेंड्स में. इको सिग्नल तो हम हाई डिजिटल है मतलब हम तो वोल्टेज से खेल रहे थे ना सर अभी तक. जैसे ट्रिगर में हम लो हाई लो किया मतलब वी हैव टू मेक दैट द सिग्नल लो मींस 0 देन 5 देन अगेन 0. और इको में भी हम हाई मतलब 5 वोल्ट ही देख रहे हैं. यहाँ पे एक्चुअली हमारा इको पिन क्या है इनपुट है. तो हम यहाँ पे इस इको पिन को मॉनिटर कर रहे हैं कि ये इको पिन हाई कब होगा. okay. हाँ तो वो उसके लिए मॉनिटर करने के लिए आपका एक पल्स इन फंक्शन है. तो ये पल्स इन अच्छा पल्स है तो वो टाइम के लिए है. हाँ तो ये मॉनिटर करता है पल्स इन फंक्शन इस इको पिन को ये हाई कब होगा. जैसे ही ये इको पिन हाई हो गई तो ये पल्स इन फंक्शन यहाँ से एक वैल्यू रिटर्न करेगा. वैल्यू रिटर्न मतलब इसके अंदर एक वैल्यू जनरेट होगी. वो वैल्यू क्या होगी वो टाइम होगी. तो वो टाइम हमें अभी मिल गया एक वेरिएबल हमें मिल गया. तो हमारा जो फॉर्मूला है डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड अपॉन टाइम तो उसमें से आपको टाइम वाला वेरिएबल मिल गया अभी है ना. अब मुझे दो ब्लैंक वेरिएबल हैं. मेरे पास दो ब्लैंक वेरिएबल हैं उसमें से एक है आपका स्पीड और एक है आपका डिस्टेंस. मुझे निकालना डिस्टेंस है. मेरे पास टाइम तो है मेरे पास टाइम वाला वेरिएबल आ गया. स्पीड कैसे पता चलेगी तो स्पीड के लिए आपके पास साउंड वेव की स्पीड कितनी है. साउंड वेव की स्पीड है 343 मीटर पर सेकंड. ये यूनिवर्सल स्पीड है बराबर. तो आपके पास ये वाला जो टाइम है ये वाला जो स्पीड है आपके पास दो वेरिएबल आ गए तो आप इजीली आप थर्ड वेरिएबल डिस्टेंस निकाल सकते हो. हाँ तो यहाँ पे अब यहां से जो आगे जो कैलकुलेशन था वो इस तरह से था कि ये मेरे पास स्पीड ऑफ साउंड क्या है 343 मीटर पर सेकंड. इसका यूनिट है मीटर पर सेकंड और टाइम का यूनिट जो हमें जो टाइम पल्सेंस से मिला वो मिला हमें माइक्रो सेकंड. तो यहाँ पे दोनों यूनिट सेम नहीं है तो हमने यूनिट्स को हमने कन्वर्ट किया मीटर पर सेकंड को सेंटीमीटर पर माइक्रो सेकंड. तो इस तरह से अब मुझे जो डिस्टेंस मिलेगी वो मुझे मिलेगी सेंटीमीटर में सेंटीमीटर है ना. तो यहाँ पे फिर हमने क्या किया कि यहाँ पे हमने इस फॉर्मूले को थोड़ा सा एक्सपांड किया और यहाँ पे मेरे पास फॉर्मूला ऐसा बना कि डिस्टेंस इक्वल्स टू टाइम डिवाइडेड बाय 29. तो ये डिवाइडेड बाय 29 जो है 1/29 जो है ये जो है ये हमने सारा जब मीटर टू सेकंड को मीटर पर सेकंड को माइक्रो सेंटीमीटर पर माइक्रो सेकंड में किया ना तो 343 मीटर पर सेकंड हमारा 1/29 माइक्रो सेंटीमीटर पर माइक्रो सेकंड इसका
यहाँ पे वैल्यू मिली, या ये क्लियर हुआ यहाँ तक के आपको? ठीक है, अब मैंने इसको डिवाइड बाय टू इसलिए किया हुआ है क्योंकि हम जब भी डिस्टेंस मेजर करते हैं तो हम तो एक ही साइड की डिस्टेंस मेजर करते हैं ना। यहाँ पे अगर मुझे इस ऑब्जेक्ट की, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट की अगर मुझे डिस्टेंस मेजर करनी है तो मुझे तो सिर्फ या तो ये वाला डिस्टेंस होगा या तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस होगा। लेकिन आपको टाइम जो है आपको किस चीज का मिल रहा था, आने का भी, यहाँ से ट्रांसमिट होकर यहाँ से और फिर यहाँ से यहाँ तक के जाने का टाइम, ये दोनों टाइम मिला के आपको टी वाला वेरिएबल मिल रहा था, है ना? तो इसलिए हमने इसको डिवाइड बाय टू कर दिया। तो इस तरह से हमारा ये सिंपली ये फॉर्मूला बना और ये डिस्टेंस इन सेंटीमीटर पर हमने सीरियल मॉनिटर को डिस्टेंस पे शो कर दिया। तो है ना, तो जितना भी है मुझे लगता है आपको आपको सारा कुछ समझ गया होगा। अगर अगर कुछ अगर नहीं समझा होगा तो हम कल वाले सेशन में भी लेंगे, इस टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। और उसके साथ साथ आप, मैं ये वीडियो अभी शेयर कर देता हूँ, आप ये वीडियो भी आप देख के इजीली आप समझ जाएंगे। मुझे नहीं लगता कि ये इतना ज्यादा हार्ड टॉपिक था सर। और एक डिले आपने ऐड नहीं किया, डिजिटल राइट ट्री ग्लो है ना, उसमें लास्ट में डिले माइक्रो सेकेंड, तो आप एक बार चेक करने वाले थे ना। अब जैसे डिले, अब मेरे पास एक्चुअली मुझे एक स्केल अगर मिल जाए, यहाँ पे मेरी मैडम मैथ टीचर है तो मुझे बस स्केल हो गए, एक सेकंड, मुझे सिर्फ एक मिनट दीजिएगा, मैं स्केल ले लूँ। ट्वेंटी नाइन ही है अब, ये देखिए मेरे पास 18 सेंटीमीटर का मेरे पास स्केल है, थोड़ा सा टूटा हुआ है तो इसलिए 18 सेंटीमीटर ही वहाँ पे दिख रहा है मुझे लास्ट। तो यहाँ पे आपको 18 सेंटीमीटर प्रॉपर दिख रहा है आपको डिस्टेंस। मैं आपको ये ठीक है, ये देखिए ये वैल्यू है, ये आपको 19 सेंटीमीटर आपको दिख रहा है, 19 सेंटीमीटर। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, मैं इस स्केल के सामने ये मैं स्केल यहाँ लेके आया और इस स्केल के टॉप पे मैं ये ऑब्जेक्ट रख देता हूँ और इस ऑब्जेक्ट के साथ आपको ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस अभी आपको रॉन्ग दिख रहा है, एक सेकेंड। अब ठीक है, 17-18 सेंटीमीटर दिख रहा है हमें। अगर स्टेबल रहेगा तो 19 दिखेगा आपको। तो अब ये जो जो यहाँ पे फ्लक्चुएशन जो हो रहा है इसके डिस्टेंस में, उसके पीछे मैं रीजन बताऊंगा। तो ये ठीक है, हमारा 19 दिख रहा है। अब अगर मैं यहाँ पे अगर डिले ऐड करूँ, ये देखिए हमारे प्रोग्राम में अगर मैं डिले ऐड कर रहा हूँ यहाँ पे, सपोज मैं यहाँ पे डिले 1 मिलीसेकंड का डिले ऐड कर रहा हूँ, ठीक है, 1 मिलीसेकंड का डिले ऐड कर रहा हूँ यहाँ पे, जब सेंसर आपका स्टेबल होगा ना, आपका ऑब्जेक्ट अगर स्टेबल होगा तो आपको प्रॉपर डिस्टेंस आपका एक्यूरेट मिलेगा। जैसे मुझे अभी 18, 19, 20 जो मिल रहा है ना, क्योंकि मेरा ऑब्जेक्ट ये देखिए, अब डिस्टेंस इन सेंटीमीटर कितना आ रहा है आपका, जीरो। तो ये जीरो आने के पीछे रीजन ये है कि इसे 1 मिलीसेकंड से कम टाइम तो आपके ऑब्जेक्ट तक डिटेक्ट होने में लग रहा है ना। इस डिले को मैं थोड़ा सा कम कर देता हूँ, इस डिले को मैं डिले 0.5 करके देखता हूँ, अगर ये फ्लोट वाला अगर वेरिएबल देगा तो। ऑब्वियसली सर ये मिलीसेकंड में आएगा, यहाँ पे तो माइक्रोसेकंड में काम चल रहा है। हाँ नहीं, तो यहाँ पे एक्चुअली जो मैडम का जो क्वेश्चन था वो हमारा एक ये देखिए, अभी आपका ये 0.5 डिस्टेंस इन सेंटीमीटर आपको 18 सेंटीमीटर मिल रहा है, ठीक है। तो ये जब आप दोनों जगह जब आप स्टेबल रखोगे ना इसे, दोनों जगह जब स्टेबल आपका अल्ट्रासोनिक सेंसर भी स्टेबल हो और आपका ऑब्जेक्ट भी स्टेबल हो, तो आपको एक्चुअली वहां पे आपको जो डिस्टेंस है वहां पे आपको ये जो डिले हमने जो दिया हुआ है ये आपका अफेक्ट करते हुए दिखेगा, ठीक है, क्लियर है? ओके सर। हां, किसी का और कोई क्वेश्चन हो? ये सेंस कैसे कर रहा है, 360 डिग्री में कर रहा है, 180 डिग्री? ये वाला अच्छा एक क्वेश्चन है, क्योंकि ये अगर क्वेश्चन
इस क्वेश्चन की वजह से बहुत सारे डाउट्स आगे जाके क्रिएट होते हैं। ये देखिए यहाँ पे क्या होता है, ये आपका अल्ट्रासोनिक सेंसर लगा हुआ है, अज्यूम कीजिए सीलिंग पे, ये आपका सीलिंग का अल्ट्रासोनिक सेंसर है, ये नीचे हमारा फ्लोर है। तो ये सेंसर जो है ये आपका ट्रांसमीटर सेक्शन से 45 के एंगल में व्यू ट्रांसमिट करता है और 45 के एंगल में ही ये रिसीव करता है। तो ये आपका ऑब्जेक्ट और ये जो सेंसर है दोनों आपस में परपेंडिकुलर होने चाहिए, जो व्यू है इसके परपेंडिकुलर 90 डिग्री होनी चाहिए इसकी, है ना, क्लियर। परपेंडिकुलर वर्ड यूज करूंगा, हाँ, मतलब ये दोनों जो सेंसर है, सेंसर और आपका फ्लोर या सेंसर और जो ऑब्जेक्ट हो, वो आपस में जो वेव्स होंगी वो मतलब अगर वहां से स्ट्रेट ले तो वो एकदम सीधा परपेंडिकुलर होना चाहिए। अब अज्यूम कीजिए ये आपका अल्ट्रासोनिक सेंसर इस तरह से लगा हुआ है, ये आपका ट्रांसमीटर और ये रिसीवर, और आपका फ्लोर है इस तरह पे यहाँ पे नीचे, तो ये 45 के एंगल में यहाँ से ट्रांसमिट करेगा, ये यहाँ से 45 के एंगल में यहाँ पे रिसीव होगी, कहीं और कुछ ऑब्जेक्ट होगा, ऐसे करके यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट होगा, ऐसे करके यहाँ, और उसके बाद आपका कहीं यहाँ पे जाके उसे रिसीव होगी। तो ये आपका जो डिस्टेंस होगा प्रॉपर दिखाएगा क्या आपको? नहीं। तो ये हमेशा जो ये जो सेंसर है आपका हमेशा ऐसी ही पोजिशन में होना चाहिए, क्लियर हुआ? अब जैसे यहाँ पे आपको मैं यहाँ पे आपको आउटपुट दिखा रहा हूं, जैसे अभी आपको 134 सेंटीमीटर दिख रहा है, अब जैसे मैं इसके नीचे जब रख रहा हूँ अपना हाथ रख रहा हूँ तो 4 और 5 सेंटीमीटर आ रहा है। अब मैं इस सेंसर को ये स्ट्रेट ना रखते हुए मैं इस तरह से रखता हूँ, ठीक है, या मैं इस सेंसर को अज्यूम कीजिए यहाँ से ऐसा ये नीचे रख रहा हूँ, ये 5 सेंटीमीटर है, अभी सीधा है 5 सेंटीमीटर, अब मैंने इसको ऐसा ट्रिल कर दिया, देखिए आपका वैल्यू क्या हो गया, क्लियर है, आपका जो वैल्यू है अभी 7183 हो रहा है, जबकि यहाँ पे टेबल का डिस्टेंस तो बहुत कम है, आपको दिख रहा है ये टेबल से 4-5 सेंटीमीटर की दूरी पे है, ठीक है। फिर मैंने इसे सीधा किया तो आपका वापस 5 सेंटीमीटर, क्लियर हुआ ये पॉइंट? मींस 90 डिग्री है ना सर, ऑब्जेक्ट कौन सा भी, जो ऑब्जेक्ट है उसके अल्ट्रासोनिक सेंसर के पैरेलल में होना चाहिए और जो उसकी वेव्स जो है वो परपेंडिकुलर मतलब वो जो स्ट्रेट लाइन होगी वो उसके परपेंडिकुलर में होनी चाहिए, मतलब ये हमारा ये जो टेबल है और ये साउंड वेव्स है ये दोनों पैरेलल हैं आपस में, यस, हां, तो ये एकदम स्ट्रेट पैरेलल होना चाहिए, थोड़ा सा भी टिल्ट हुआ तो आपका जो डिस्टेंस होगा वो रॉन्ग देगा। तो हम जब किसी रोबोट में जब कनेक्ट करते हैं अल्ट्रासोनिक सेंसर तो अगर वो प्रॉपरली अगर सामने के फेस में नहीं रहता है तो आपको एरर देगा, मतलब वो प्रॉपर ऑब्जेक्ट आपका डिटेक्ट नहीं कर रहा है। तो अभी इसके ऊपर एक प्रोजेक्ट ले लेते हैं, मैं देख लेता हूँ पहले कितने टीचर्स हैं यहाँ पे, ऑलमोस्ट हैं सब, तो कोई एक प्रोजेक्ट मैं दे देता हूँ आपको, क्या आप इस अल्ट्रासोनिक सेंसर से हाइट मेजरमेंट का प्रोजेक्ट बना पाओगे? यस सर, टिंकरकैड पे आप जाइए, अल्ट्रासोनिक सेंसर अवेलेबल है, एक एक आपके थोड़ा सा आपको डाउट आएगा वहां पे, तो टिंकरकैड, तो ये आप हाइट मेजरमेंट का, चलिए हाइट मेजरमेंट के अलावा मैं और 2-3 प्रोजेक्ट्स आपको बताता हूँ। हाइट मेजरमेंट हुआ, वाटर लेवल इंडिकेटर भी आप बना सकते हो अल्ट्रासोनिक सेंसर से, ब्लाइंड स्टिक भी बना सकते हो, ठीक है, स्मार्ट स्टिक फॉर ब्लाइंड पर्सन वो भी बना सकते हो। उसके अलावा अल्ट्रासोनिक सेंसर में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, व्हीकल टू व्हीकल कम्युनिकेशन बना सकते हो, तो आप ऐसा कोई भी अभी हाइट मेजरमेंट के लिए मुझे लगता है दीपाली मैम आपको एक्सप्लेन करेगी हाइट मेजरमेंट कैसे बनेगा।
एक सेकंड मैं आपको ये पेज आपके सामने लेके आया हूँ। ये बल में पेज दिख रहा है हमारा? हाँ यस यस। तो अब आप एक्सप्लेन कीजिए मैम। हाइट मेजरमेंट प्रोजेक्ट फर्स्ट इज अ हाइट। ओके, हाइट हमें मेजर करना है। तो यहाँ पर एक अल्ट्रासोनिक सेंसर दिख रहा है आपको, टू सर्कल्स दिख रहे हैं। यस मैम। हाँ हाँ, तो वो सेंसर्स हमें ऐसे अभी कोई वॉल पर मेजर करते हैं, ऐसे स्केल्स होता है राइट। स्कूल्स में हम स्टूडेंट्स का मेजरमेंट लेते हैं, हाइट मेजरमेंट करते हैं। तो दैट टाइम हम एक स्केल यूज करते हैं वहां पर। ओके, और हमें अभी यूज करना है अल्ट्रासोनिक सेंसर। तो हमें अल्ट्रासोनिक सेंसर अभी सर ने एक्सप्लेन किया कि वो परपेंडिकुलर होना चाहिए और प्रॉपर पैरेलल होना चाहिए फ्लोर से। हाँ, इतना समझा ना? Yes, तब को वो सेंसर ऐसे फ्लोर से पैरेलल मतलब रखना है हमें, ठीक है। अभी एक यहाँ पर पर्सन एक छोटा ऐसा ड्रॉ किया है सर ने, एक दिख रहा है आपको वो? Yes, एक मतलब एक पर्सन जाने के पूरा, ये जब भी ये पर्सन नहीं होगा तो वो सेंसर पूरा वैल्यूज कैलकुलेट करेगा, मींस पूरा मेजर करेगा फ्लोर का, पूरा डिस्टेंस आपका पूरा डिस्टेंस कवर करेगा, ठीक है। तो आपका ये पूरा टोटल डिस्टेंस होगा। और कोई ऑब्जेक्ट मींस को पर्सन जाता है वहां पर, ओके, तो उसके नीचे जो सेंसर के नीचे कोई पर्सन आएगा मींस स्टूडेंट आएगा, तो उसका मेजर मींस वेव्स होगी, वो साउंड वेव्स वो ट्रांसमिट होगी कहां तक होगी? रिसीवर तक। नहीं नहीं, अभी ये ट्रांसमिट हो रही है वेव्स पर, ये फिर से रिसीवर होने के लिए फ्लोर तक जाएगी क्या वो पर्सन को डिटेक्ट करके? हाँ, स्टूडेंट मतलब जो स्टूडेंट है वहां पर जाके फिर से रिसीवर पर जाएगी, क्लियर। तो आपका ये डिस्टेंस होगा, ये टोटल डिस्टेंस में से ये डिस्टेंस जो डिस्टेंस है वो माइनस हो जाएगा फ्री डिस्टेंस। तो ये आपके स्टूडेंट का आपका है, मतलब यहाँ पे दो ऑपरेशंस करने हैं हमें, एक तो पहले फूल का निकालना है डिस्टेंस एंड देन तो यहाँ पे सबट्रैक्ट करना है। हाँ, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ पे आप अज्यूम करोगे क्योंकि हमारे पास जिनके पास अगर अल्ट्रासोनिक सेंसर होगा तो वो क्या करेंगे, वो वहाँ पे सीलिंग पे अल्ट्रासोनिक सेंसर को कनेक्ट करके अपना प्रोजेक्ट बनाएंगे। लेकिन जो जो टीचर्स टिंकर कैड पे करेंगे, तो यहाँ पे आपको एक वेरिएबल लेना पड़ेगा टोटल हाइट वाला, और आपको अज्यूम करना होगा कि टोटल जो हाइट है वो 300 सेंटीमीटर है। हाँ ना, टोटल जो हाइट है वो अज्यूम करना होगा कि 300 सेंटीमीटर है। और जैसे ही 300, 150 जो भी आपको अज्यूम करनी है, और उसके बाद जैसे यहाँ पे मैं आपको ये वाला सर्किट आपको दिखाता हूँ इसका आउटपुट, तो आपको और ज्यादा इजी हो जाएगा आपको प्रोजेक्ट बनाने में। अल्ट्रासोनिक सेंसर के ऊपर बहुत सारे प्रोजेक्ट बनते हैं, आप अगर गूगल पे सर्च करोगे ना प्रोजेक्ट्स ऑन अल्ट्रासोनिक सेंसर, बट ऑब्जेक्ट डिटेक्टर प्रोजेक्ट, ऑब्जेक्ट अवॉइडर प्रोजेक्ट तो मैंने कंप्लीट किया, बट बहुत सारे एरर आ गए उसमें ऑब्जेक्ट अवॉइडर में। अभी नहीं आएगा, अभी मुझे लगता है ये अल्ट्रासोनिक सेंसर, अब आप इजीली आप ये अल्ट्रासोनिक सेंसर। चलिए मैं आपको एक और, जब तक ये स्क्रॉल हो रहा है मैं आपको एक क्वेश्चन, आपको एक अपना एक एक्सपीरियंस बताता हूँ। क्या होता है जब आपका, आपने देखा होगा जब अल्ट्रासोनिक सेंसर के जब मैंने स्टार्टिंग में जब कनेक्शन किए थे, तो उसके जो कनेक्शन थे आपके वो प्रोग्राम में 5-6 था, है ना? हमारे 5-6 थे। और फिर मैंने जब दूसरा, हमने कनेक्शन हार्डवेयर में कैसे किया था, 6-5 किया हुआ था। तो यहाँ पे मुझे डिस्टेंस क्या आ रही थी हमेशा 0-0। अब मैं आपको एक अच्छा सा एक एग्जांपल बताता हूँ क्या हुआ था। एक बार मुझे एक कॉलेज से, कॉलेज लेवल का या डिप्लोमा लेवल का एक प्रोजेक्ट मुझे मिला था जिसमें मुझे स्मार्ट डस्टबिन बनाना था, क्योंकि हम इंस्पायर अवार्ड के लिए ऐसे प्रोजेक्ट भी बनाते हैं, हमने भी किया है। तो स्मार्ट डस्टबिन जब मुझे बनाना था, तो वहाँ के एक स्टूडेंट ने मुझे कहा कि सर मैंने प्रोग्राम करके देखा हुआ है लेकिन मुझे वैल्यूज जो है ना वो हमेशा 0-0 आ रही है। तो मैंने कहा ठीक है, मैं आपका प्रॉब्लम सॉल्व कर देता हूँ। तो एक्चुअली वहाँ पे सिर्फ ये पिंस की वजह से उन्हें वो वैल्यू वहाँ पे 0-0 मिल रही है। हाँ, ये पिंस चेंज होने की वजह से, और वो उनका वहाँ पे ध्यान नहीं था, एक ये एरर था वहाँ पे, और एक इसी टाइप का एक बेसिक बहुत नॉर्मल एरर था वहाँ पे, कि उसकी वजह से वहाँ पे आपको वैल्यू 0 आ गई। अब क्या है, एक्चुअली ये
हमारे लिए तो हमारे लिए तो बिजनेस भी हुआ ना। हम किसी को अगर जब पढ़ाते हैं या किसी को अगर कुछ प्रोजेक्ट बना देते हैं तो वहां से कुछ ना कुछ हम अमाउंट लेते हैं उनसे। तो अब सोचिए कि इतने बेसिक एरर के लिए भी मैंने उनसे बहुत अच्छा खासा अमाउंट लिया है। ओह माय गॉड, यहाँ पे ऐसा नहीं है कि मैं उन्हें चीट कर रहा था, एक्चुअली उन्हें मैंने जब लास्ट में बताया भी मैंने, ये उनके लिए भी एक्सपीरियंस हुआ ना कि आप जब तक है, हाफ नॉलेज इज डेंजरस कहते हैं ना हम, हाफ नॉलेज इज डेंजरस। तो वो उनको एज अ मैं शिक्षक उन अपने शिष्यों को शिक्षा दे रहा था, अगर मैं उन्हें फ्री में करके देता था तो ये उनके लिए शिक्षा नहीं रहती। दक्षिणा भी ले ली आपने, दक्षिणा भी ले ली। तो इस तरह तो सुमित सर ये हमेशा ये 6 और 5 पर ही होंगे सर, नहीं, इसके पिन कोई भी पिन आप यूज कीजिए, डिजिटल पिन भी यूज कर सकते हैं, एनालॉग पिन भी यूज कर सकते हैं। तो आप डिजिटल पिन अगर यूज कर रहे हैं तो वो नंबर आपको प्रॉपर लिखने होंगे। ओके सर। हां ना, एनालॉग भी पिन यूज करोगे तो आपको एनालॉग पिन को आपको ऐसा डिजिटल यूज करना पड़ेगा, समझ रहे हैं। A0 A1 भी अगर हम यूज कर रहे हैं तो उसे लिखना डिजिटल राइट A0 कॉमा हाई, तो वो ऑडिनो से डिजिटल में कन्वर्ट कर देगा। तो सर ये जो है आपका जो अल्ट्रासोनिक ये कितने एरिया तक ऑब्जेक्ट को सेंस कर लेता है सर? ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो ये एक्चुअली इसकी जो हमने प्रैक्टिकली जितना डिस्टेंस हमने किया हुआ है इसका मेजर, तो ये 350 सेंटीमीटर मैक्सिमम कवर करता है, मतलब 3.5 मीटर। ओके, मींस ऑल द फोर साइड्स 350 अप साइड उसके पैरेलली या परपेंडिकुलर जैसे भी कहें वो उसको वहां पे साउंड वेव भेजेगा। 350 सेंटीमीटर। तो हम आ जाते हैं अपने टॉपिक पे, मैं स्टार्ट करता हूँ यहाँ का सिमुलेशन। तो यहाँ पे सिमुलेशन स्टार्ट करने के बाद इसमें जो ये देखिए, जैसे यहाँ पे सिमुलेशन स्टार्ट किया तो आपको यहाँ पे एक आपकी एरिया दिख रही है, क्लियर है, यहाँ पे आपको एरिया दिख रही है। ये जो पॉइंट है ना, ये आप अज्यूम कीजिए कि आपका ऑब्जेक्ट है, ये जो आपको ग्रीन पॉइंट जो दिख रहा है ना, ये आपका ऑब्जेक्ट है। तो ये आप जैसे ही आप इसे कम ज्यादा करेंगे तो ये आपका ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है और ये आपका ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है। तो हमने जैसे जो भी हमें वैल्यू अज्यूम करनी है, 300 टोटल हाइट जो है, अगर 300 अगर सेंटीमीटर मुझे अज्यूम करनी है तो यहाँ पे हम अज्यूम करेंगे कि ये ऑब्जेक्ट जो है, ये जो आपका जो एरिया है, ये ऊपर का जो एरिया है, ये एरिया आपका ये 300 सेंटीमीटर है ये वाला। ओके सर। और ये आपका ऑब्जेक्ट, ये स्टूडेंट है, और ये जो एरिया है ये फ्री स्पेस है। तो 300 माइनस ये आपके ऑब्जेक्ट की हाइट आ रही है 142 सेंटीमीटर। नहीं, तो ये जो हाइट है ये आपके स्टूडेंट की हाइट है, ये 140 सेंटीमीटर ये आपका ये है। तो आपका 300 माइनस 142 सेंटीमीटर। तो ये जो आपका फ्री स्पेस में आपका स्टूडेंट का हाइट आ जाएगा। ओके सर। हां क्लियर। तो इस तरह से आप टिंकर कैट पे ये प्रोजेक्ट बना सकते हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट आप टिंकर कैट पे बना सकते हैं। तो कोई क्वेश्चन वापस बचा हो तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो इस सेशन को एंड करते हैं। ठीक है सर। जी सर, आप हार्डवेयर लगाया सर, इसमें आर्डिनो किट है और सेंसर है, और सर क्या-क्या लगा है पिन कर दीजिए सर। एक्चुअली ये जो प्रोजेक्ट हमने यहां पे आपको जो दिख रहा है, ये एक प्रोजेक्ट है हमारा एक्सीडेंट अलर्ट सिस्टम का, ठीक है। हाँ। तो इसमें अल्ट्रासोनिक सेंसर आपको ये दिख रहा है, ऑर्डिनो आपको यहाँ दिख रहा है, एक आपको जीएसएम दिख रहा है यहाँ पे, एक आपको यहाँ पे जीपीएस दिख रहा है। ये देखिए ये अल्ट्रासोनिक सेंसर दिख रहा है। हाँ, ये आपका ऑर्डिनो बोर्ड, ये आपका जीएसएम मॉड्यूल है, ये आपका जीएसएम मॉड्यूल है।
सिम कार्ड लगा हुआ है यहाँ पे, ये जीएसएम मॉड्यूल, उसके बाद ये आपका जीपीएस और ये आपका पुश बटन, एक स्विच है। प्रोजेक्ट में इसका यूज यस सर, इस प्रोजेक्ट में इसका यूज नहीं है अभी जो आपने बताया। नहीं, इस प्रोजेक्ट में यूज नहीं है, बट इस प्रोजेक्ट में सिर्फ अल्ट्रासोनिक सेंसर का यूज था और मैं आज घर से पढ़ा रहा हूं तो मेरे पास ऑफिस में और लैब में नहीं जा पाया, तो मैं इसलिए इस प्रोजेक्ट को यूज कर रहा हूं ऐसे, है ना। और ये आपका आपके लिए अभी आपको एटीएल वालों ने जीएसएम मॉड्यूल तो दे दिए हैं, लेकिन ये जीएसएम मॉड्यूल विदाउट इस वोल्टेज रेगुलेटर आईसी के वर्क नहीं करता है, तो ये हमें अगर जीएसएम कभी भी यूज करना है तो ये बाहर से हमें परचेज करना होगा। तो आपके अगर एटीएल के लिए भी अगर आपको कभी कोई मटेरियल की अगर जरूरत हो तो आप मुझे बता दीजिएगा, हम मटेरियल भी प्रोवाइड करते हैं। और क्या क्या मटेरियल लगेगा, कैसी कैसी रजिस्टर चाहिए या क्या मटेरियल चाहिएगा, वो भी हम प्रॉपरली हम गाइड करते हैं। तो आपके अगर एटीएल में अगर इन फ्यूचर कुछ लगता है सामान परचेज करना है आपको, तो मैं चाहूंगा कि आप जरूर मुझसे एक बार कॉन्टेक्ट करें, भले मुझसे ले या ना ले। वो आपकी सर आप जेम पे हैं क्या? यस मैम, हम जेम पे हैं, टीयूपी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेक्नोलॉजी, टीयूपी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेक्नोलॉजी। आप सबके आशीर्वाद से मैम मैंने ऑलरेडी 13 ऑर्डर्स इस लास्ट 6-7 मंथ्स में लिए हैं। अब अभी तक के मेरे पास 34 लैब्स हैं जो मैं रन कर रहा हूं। और आप मेरे आप में से कोई भी टीचर, आई थिंक यहां पे मेरा कोई भी क्लाइंट नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि नॉलेज सबको देना चाहिए। अब मुझे बहुत मजा आता है आप जब मेरे साथ जुड़ते हो, मुझे नॉलेज शेयर करने में बहुत मजा आता है। तो ठीक है मैम सर, अभी के लिए हम सेशन को एंड करते हैं, और जो भी आपके डाउट्स होंगे, अगर कोई अगर डाउट रहेगा तो मैं आपको वीडियो भी शेयर कर देता हूं, और बाकी के क्वेश्चन हम कल क्लियर करेंगे और आगे और पढ़ेंगे इसको। राइट सर, थैंक यू सर, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सर, थैंक यू सर, बाय बाय बाय।